Hare Krishna. To upasthit pradhare Bhagvat Katha Nagi Bhagavad Bhaktoga is Bhagavat Sattake. पांचवे दिन में हार्दिक स्वागत करते हैं तो पिछले चार दिनों से हम भागवत सप्ताह इस भागवत के विषय में श्रवण कर रहे हैं आज पांचवा दिन तो सभी भक्तों का मैं हृदय से स्वागत और प्रणाम करता हूं तो इस प्रकार से ये आत्मा के उद्धार करने के लिए जो भागवत सप्ताह का आयोजन किया गया है इस पितृपक्ष तिथि में जो कि बहुत महत्वपूर्ण तिथि है तो बहुत सुंदर तिथि के अंतर्गत इस भागवत सप्ताह का आयोजन हुआ है तो हम गत सत्रों से सर्वप्रथम गाय माता के विषय में श्रवण करते आ रहे हैं प्रारंभ में क्योंकि उनके ही शरण में बैठकर हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं इसलिए गत सत्रों की तरह इस सत्र में भी हम गाय माता के महिमा को कितना ध्यान से श्रवण कर रहे थे तो गाय माता के महिमा को श्रवण करते आज का ये पंचम दिवस का भी सत्र हम प्रारंभ करेंगे तो हम सुनते आए कि किस प्रकार से गाय माता के अपार महिमा है पिछले हम चार सत्रों में सुने हमने कई जगह से उद्धरण देते हुए वेद पुराणों से उद्धरण देते हुए मैंने गाय माता के महिमा के विषय में बताते आ रहे हैं तो आज भी हम गौ माता की महिमा से ही उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाएंगे मैं कल वर्णन कर रहा था कि गाय माता का केवल दूध ही नहीं उसका हर एक प्रोडक्ट जो है अमृत के समान है चाहे गोबर हो चाहे गोमूत्र हो चाहे इस पंचगव्य से बनाए हुए कोई भी पदार्थ ही क्यों ना हो या फिर गोबर और गोमूत्र से बनाए हुए अनन्य प्रकार के औषधियां ही क्यों ना हो हर एक चीज हर एक तो इंपॉर्टेंट है बहुत ही महत्व है तो हमने कल सुना हम आज भी इसी गौमूत्र के और गोबर के विषय में उनके इंपॉर्टेंस सुनते हुए इस सत्र का प्रारंभ करेंगे महाभारत में पितामह भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को गौ माता की महिमा को बताते हुए कहते हैं पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को गाय माता की महिमा को बताया और साथ साथ में ये भी बताया कि गाय माता का जो गोबर और गोमूत्र कितना महत्वपूर्ण है
भीष्म पितामह ने महाभारत के अंतर्गत इसका वर्णन है। पितामह भीष्म कहते हैं। तब जब इस महिमा को बताया कि गोबर और गोमूत्र कितना, उसका महत्व कितना है, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा शंका, थोड़ा डाउट आ गया कि क्या सच में ये गोमूत्र और गोबर इतना महत्वपूर्ण है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि संसार के जीव जो है गोमूत्र और गोबर लगता है तो मुंह को बनाते हैं, ओ छी छी। हम कितने लोग को देखते हैं, हमारे ही गौशाला में कोई कोई ऐसे आ जाते हैं तो उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके जो बच्चे, उनके जो पुत्र होते हैं, लड़के होते हैं, थोड़ा भी गोमूत्र गौशाला में लग जाता है या गोबर लग जाता है तो छी छी करने लगते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता कि ये जो गोबर लग रहा है ना, ये संसार के जो दुनिया भर के क्रीम है ना, ये सबसे कई गुना ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो युधिष्ठिर महाराज को थोड़ा शंका हुआ कि क्या सच में भीष्म पितामह जो आप बोल रहे हो इतनी महिमा है गोमूत्र और गोबर की। तो उस समय पितामह भीष्म इस गाय माता और गोबर गोमूत्र की महिमा को बताते हुए एक कथा का वर्णन करते हैं पितामह भीष्म महाभारत में। पितामह भीष्म कहते हैं कि एक समय की बात है, माता लक्ष्मी बहुत सुंदर तरीके से सज धज के अपने आप को बहुत सुंदर तरीके से सजाया, सजाकर वह गाय माता के झुंड में, जैसे है ना गाय माता के इतना सारा संख्या में दिख रहा है, तो गाय माता के बीच में जाके उपस्थित हो गई। पितामह भीष्म इस कथा को कहने से जब कह रहे थे तो जब लक्ष्मी जी सजने लगी तो सज के जब बाहर निकले तो उनका मिलन शनि देव के साथ हुआ सर्वप्रथम, और शनि देव और माता लक्ष्मी के बीच में एक कंपटीशन छिड़ जाता है कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। लक्ष्मी जी और शनि देव के बीच में कि कौन सुंदर है सबसे, दोनों एक दूसरे में कंपटीशन, मैं सुंदर हूं, शनि देव बोले मैं सुंदर हूं, एक कंपटीशन चल ही रहा था। लक्ष्मी जी इतना सुंदर सज धज के निकली हुई थी, आज तो किसी एक महत्वपूर्ण जगह पे उनको जाना था इसलिए बहुत सुंदर सजी थी, बहुत सुंदर सजी थी। तो स्वाभाविक है कि शनि देव मिले थे एक पूछ बैठे कि कैसी लग रही हो मैं, पूछते हैं ना जब स्त्रियां सजती हैं घर में तो कितनी बार पति को पूछती हैं कि कैसी लग रही हो आज, कितनी बार पूछती है, और पति जवाब देता है कितना जवाब दे क्या बोले। इसलिए कहते हैं कि जब घर में स्त्रियां जब सजती है ना तो उस समय पुरुष को घर से बाहर चला जाना चाहिए। माता लक्ष्मी शनि देव को पूछी कि मैं कैसी लग रही हूं, शनि देव बोले मैं कैसा लग रहा हूं, हो गया कंपटीशन। वो बोल रहे मैं कैसे, नहीं पहले तुम बताओ मैं कैसे हूं, चलने लगा कंपटीशन। फिर बात ये आ गई कि मैं सुंदर हूं, लक्ष्मी बोले मैं सुंदर हूं, कंपटीशन छिड़ा। वर्णन है कि उसी समय नारद जी वहां से निकले, नारद जी ने जैसे वहां से निकले तुरंत शनि देव ने नारद जी को बुलाया, रुके रुके नारद जी, नारद जी तो हमेशा विचरण करते ही रहते हैं। नारद जी को जैसे ही शनि देव ने रुका, नारद जी रुके तो सही, तो जैसे ही रोकने का कारण पूछा नारद मुनि ने,
तो सनी देव ने बोला कि नारद मुनि, हम दोनों में कब से बहस छिड़ा हुआ है लक्ष्मी और मेरे में कि हम दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, तो आप बताइए। नारद मुनि सोचने लगे कहां आके फंसा मैं विचरण करने वाला ब्रह्मचारी इन दोनों के बीच में कहां से फंसा आके, अभी मैं क्या करूं। बहुत दुविधा में नारद फंस गए। अभी लक्ष्मी जी को सुंदर ना बताए तो उधर एक समस्या, शनि देव को सुंदर नहीं बताया तो शनि देव कहते ना शनि का ग्रह लग गया है। बड़ी दुविधा में नारद मुनि फंसे। नारद मुनि बोले कि देखो मैं बाल ब्रह्मचारी, क्या मेरे को ये सब क्या प्रश्न पूछ रहे हो, मुझे जाने दो। शनि देव ने बोला नारद मुनि बता के ही जाना पड़ेगा। शनि देव गुंडागर्दी करने लगे, बोले बता के दादागिरी करने लगे, बता के ही जाना पड़ेगा आपको। नारद मुनि सोचे कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा, क्या ढूंढे उपाय। लेकिन जो एक भक्त होते हैं भगवान के, वास्तव में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं, और प्रचार क्षेत्र में भी ऐसे एक्सपर्ट, जैसे नारद मुनि ने किस प्रकार से सुंदर तरीके से नारद मुनि ने जवाब दिया। तो एक प्रचारक या एक भक्त जो है, जो लोगों को प्रचार करके कृष्ण भावनामृत में जोड़ रहा है, एक टेक्निक उसको पता होना चाहिए। नहीं तो फिर प्रचार तो करेगा करेगा, लेकिन उसमें दो तीन भाग बन जाएगा, किसको संतुष्ट करें। एकजुट कभी नहीं हो पाएगी, बहुत संभालना पड़ता है। नारद मुनि विचार किए और नारद मुनि ने बोला ठीक है चलो मैं आप लोग के प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करके जाता हूं। नारद मुनि ने बोला कि ठीक है, एक समझ लीजिए एक स्टेज के ऊपर दोनों को खड़ा कर दिया नारद मुनि ने। आपने देखा है फैशन शो स्टेज, उधर जाते हैं फिर उधर से इधर आते हैं, उधर जाते हैं इधर आते हैं, बिल्कुल नारद मुनि उस स्टेज पे खड़ा करके लक्ष्मी जी और शनि देव को बोले कि जाओ और मैं देखता हूँ कौन सबसे सुंदर दिख रहा है, खड़ा कर दिए एकदम, बिल्कुल फैशन शो चलने लगा। क्योंकि नारद मुनि को देखना था कौन सबसे सुंदर है, इसलिए खड़ा कर दिए स्टेज, फैशन शो के स्टेज पर खड़ा कर दिए नारद मुनि। दोनों चलने लगे, एक जाता था एक आता था, एक जाता था एक आता था। थोड़ी देर के बाद नारद मुनि बोले कि हो गया, मैंने देख लिया कौन सबसे सुंदर है। तो नारद मुनि ने उत्तर दिया कि शनिदेव जब आप जा रहे थे ना तो बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत सुंदर, आपकी सुंदरता का तो कहना ही क्या, जब आप निकल रहे थे जा रहे थे ना तो आप बहुत सुंदर लग रहे थे, और लक्ष्मी जी जब आप आ रहे थे तो उस समय बहुत सुंदर दिख रहे थे। शनिदेव जाते हुए अच्छे लगते हैं और लक्ष्मी आते हुए अच्छी लगती है। दोनों को बताया कि दोनों सुंदर हो, लेकिन एक जाते हुए सुंदर और एक आते हुए सुंदर। कितनी सुंदर बात बताया नारद मुनि ने। खैर पितामह भीष्म कथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि माता लक्ष्मी सज धज के उस समय पहुंचे गाय माता के बीच में, क्योंकि लक्ष्मी जी को पता था कि भगवान गाय से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए लक्ष्मी जी गाय माता के अंदर अपने स्थान, अपने निवास स्थान को मांगने जा रहे कि मुझे कृपा करके मुझे अपने अंदर स्थान दीजिए लक्ष्मी जी। तो उस समय लक्ष्मी माता उस गौशाला में पहुंची गायों के झुंड में, तो बीच में चली गई, लेकिन गाय माता कोई भी उनको मुड़ के देखी भी तक नहीं। लक्ष्मी तो सोची थी कि मैं लक्ष्मी हूं, जाते ही हमको तो पहचान ही लेंगे और हमारा जो जगह है स्थान हमको दे देंगे, है ना। कोई ऐसा आता है ना सीनियर भक्त तो उनको बैठने के लिए लोग कुर्सी छोड़ देते हैं ना, सबका ध्यान उधर चला जाता है, सब ठीक।
लक्ष्मी ने जिस दिन सोचा, लेकिन जो सोचा उसका उल्टा हुआ। गाय माता ने देखे तक भी नहीं। लक्ष्मी जी थोड़ी देर बाद खुद से अपना इंट्रोडक्शन देना चालू किया कि हे माते, मैं लक्ष्मी हूं, लक्ष्मी और मैं भगवान की सेवा में रत रहती हूं, उनके चरण कमलों को हमेशा मैं दबाती रहती हूं। अपना इंट्रोडक्शन लक्ष्मी वहां पे गौ माता को दिया और फिर बोले कि माते, कृपा करके आप, आपके अंदर मुझे स्थान दीजिए। तो गौ माता ने बोला कि लक्ष्मी जी क्षमा करिएगा, मैं आपको अपने अंदर स्थान अभी नहीं दे सकती, क्योंकि 33 करोड़ देवी देवता हमारे अंदर ऑलरेडी निवास कर चुके हैं, हाउसफुल, आप लेट हो गए। 33 करोड़ देवी देवता मेरे अंदर वास करते हैं, वो अपना अपना स्थान ले चुके हैं, इसलिए माफ करिएगा, मैं अभी स्थान खाली नहीं है, क्षमा करिएगा मुझे। और गया माता अपने कार्य में लग गई। लक्ष्मी जी बोले कि आप मुझे कैसे धुतकार सकते हो, संसार के सारे लोग मेरे पीछे भागते रहते हैं, मुझे प्राप्त करने के लिए संसार के लोग भागते रहते हैं, आप कैसे हमें ठुकरा सकते हैं, कैसे ठुकरा सकते हैं। गाय माता ने बोला कि क्षमा करिए माते, हम आपको ठुकरा नहीं रहे, हम आपका त्याग कर रहे हैं, हमें लक्ष्मी की जरूरत नहीं है। इस संसार के लोग अगर आपके पीछे, लक्ष्मी धन के पीछे अगर भागते हैं तो महामूर्ख है, जो केवल भगवान को छोड़कर केवल लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, महामूर्ख है। हम आपको ठुकरा नहीं रहे हैं, हम आपका त्याग कर रहे हैं, क्योंकि इस संसार में जब त्याग होता है ना, उसकी महिमा सबसे ज्यादा होती है। सोचिए, इस संसार में करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाले लोग हैं, लेकिन एक साधु, एक सन्यासी, आप देख लीजिए, इस ISKCON के संस्थापक आचार्य हिस्टिवाइंद्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, क्या था उनके पास। लेकिन एक 70 साल का बूढ़ा जब यहां से निकला, प्रचार क्षेत्र में जो उतरा, कुछ नहीं था उसके हाथ में, सब कुछ त्याग दिए जब, तब पूरे संसार में उनकी प्रसिद्धि हो गई। तो गौ माता बोल रहे हैं कि माते, हम आपका त्याग कर रहे हैं, क्योंकि त्याग में प्रसिद्धि होता है, फेमसनेस जो है ना, त्याग में होता है। ऐसा नहीं कि करोड़ों आ जाए हमारे पास, इतना धन समृद्धि आ जाए तभी हमारे, हमारा ग्लोरीज करेंगे लोग, हमारी प्रशंसा करेंगे, ऐसा नहीं है। त्याग, त्याग जब होता है ना, वहां पे सारी संसार के सारे जो फेमसनेस है, सारे वस्तुएं प्राप्त हो जाती है ऑटोमेटिक। एक सिद्धांत यह भी है कि अगर सब कुछ पाना चाहते हो ना, सब कुछ त्याग दो कृष्ण के लिए, त्याग दो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन लोग उल्टा कर रहे हैं, क्यों? विश्वास नहीं है। गौ माता बोले कि लक्ष्मी, हम आपका त्याग नहीं, हम आपको ठुकरा नहीं रहे, हम आपका त्याग कर रहे हैं, हमको जरूरत नहीं है आपका, हमको जरूरत, हमको लक्ष्मी धन की जरूरत नहीं है हमको। इस प्रकार से लक्ष्मी जी आश्चर्य तो हुई, लेकिन उनको कैसे भी निवास स्थान तो चाहिए था, माता के अंदर निवास स्थान चाहिए था। अब लक्ष्मी का रूप बदला और लक्ष्मी गाय माता के चरणों में गिर पड़ी और गिड़गिड़ाने लगी कि माते, आप कृपा करिए मेरे ऊपर, मुझे स्थान दीजिए। रोने लगी लक्ष्मी, गौ माता के चरणों में गिरकर लक्ष्मी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी कि माते, हमको आपके शरण दीजिए, आपके अंदर स्थान दीजिए। उस समय गाय माता ने कृपा किया, कृपा करके बताया कि लक्ष्मी, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो देखिए स्थान तो सब कुछ फुल हो चुका है, लेकिन हमारे एक अंतिम प्रोडक्ट जो है हमारा, वो है गोबर और गोमूत्र, वो स्थान अभी भी किसी ने लिया नहीं है, क्योंकि पहले आने वाले लोग अच्छे अच्छे स्थान ढूंढ लेते हैं,
तो 33 करोड़ देवी देवता तो आए, लेकिन अच्छा अच्छा स्थान ढूंढ लिए, अच्छी कुर्सी, अच्छा सोफा, सब अच्छे अच्छे जगह पे ढूंढ लिए, बैठ गए। माते अंतिम स्थान खाली है, गौमूत्र और गोबर। अगर आपकी इच्छा है तो आप ऐसे अंतिम स्थान में निवास करिए। बस तो लक्ष्मी को तो मौका चाहिए था, बस तुरंत ही लक्ष्मी उस गोबर और गौमूत्र में निवास कर गई, स्थान को पा लिया। तभी विचार करिए, उस गोबर का अगर हम लेपन अपने घर में करेंगे तो क्या करते हैं, लक्ष्मी का वास होता है। पिछले सत्रों पर विचार कर मैं इसी बात को बताता आया हूं कि लोग अगर घर में गाय रखते थे ना तो सब कुछ रहता था, उनको किसी चीज का कमी नहीं होता था। ये बड़े बड़े सिद्धांत है। क्या है, लोग केवल धीरे धीरे इंपॉर्टेंस ना केवल गाय के दूध को देने लगे, तो वो दूध को देने लगे, फिर इंपॉर्टेंस धीरे धीरे खत्म हो गया। क्योंकि गाय माता रहती है हमारे घर में ना, उसके रहने से कितनी सारी चीजें प्राप्त होता है वो नहीं भूल गए लोग, ज्ञान की कमी, ज्ञान की कमी। गौ माता तुरंत ही उस स्थान पे निवास कर बैठी। इसलिए गोबर और गौमूत्र जो कि बहुत ही अत्यंत पवित्र है, लक्ष्मी जी का वास है वहां पे, लक्ष्मी जी का वास है। इसलिए घर में इस गोबर का, जैसे कि अब गौशालाओं में जहां पे इन औषधियों का निर्माण होता है, बहुत सुंदर धूप बनाया जाता है गोबर से, उस धूप का इस्तेमाल करना चाहिए। अगरबत्ती की जगह पे धूप का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ऐसा जो जिसमें लक्ष्मी का वास है, ऐसा गोबर जब घर के अंदर जब चलता है ना, वातावरण परम पवित्र हो जाता है घर के अंदर। जिस मैं एक सिद्धांत को बताऊं, जिस घर में गोबर का इस्तेमाल नहीं होता है, गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल जिस घर में नहीं होता है, उस घर में भगवान नहीं रहते हैं, नहीं रहते भगवान उस घर में, बिल्कुल नहीं रहते हैं। इसलिए गोबर और गौमूत्र का इस्तेमाल घर में होना चाहिए, रखना चाहिए, शुद्धिकरण के लिए रखना चाहिए, हमेशा रहना चाहिए गोबर और गौमूत्र। कंडे मिलते हैं उसको जलाओ, लोग मच्छर के लिए क्या क्या नहीं जलाते हैं, गोबर के कंडे जलाइए। क्वायल, क्वायल खरीद के लाते हैं इतना महंगा महंगा, लिक्विड लेके आते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या निकला सभी। केवल उस गोबर को जलाने से केवल मच्छर ही नहीं भागते हैं, भगवान प्रकट हो जाते हैं, क्योंकि वातावरण शुद्ध हो जाता है। हम कितना भी अच्छा टाइल्स को पोछा मार ले, फिनाइल लगा दे, लेकिन वो साफ होता है, पवित्र शुद्ध नहीं होता है। सफाई दिखता है कि चमक रहा है, लेकिन पवित्रता नहीं आती है, शुद्धिकरण उसका नहीं होता है, शुद्धिकरण नहीं होता है। शुद्धिकरण तो गौमूत्र से, मंत्रोच्चारण से, सारी चीजें से शुद्धिकरण आता है। अगर सफाई करके ही शुद्ध हो जाता तो आप देखेंगे कि एक जो पुजारी है, नहा धो के फ्रेश होके सुंदर तरीके से कपड़े पहन के आ जाता है, लेकिन भगवान की सेवा करने जाने से पहले अपने आप को पवित्र करता है, वो आचमन करके इत्यादि। केवल नहाने से ही पवित्र होता था, सीधा चला जाता है ना, लेकिन पवित्रता केवल स्नान करने से, ऊपर से सफाई करने से नहीं होता है। पवित्रता और शुद्धिकरण तो इस प्रकार के माता के गौमूत्र, मंत्रोच्चारण इत्यादि, ये सारे से होता है। तो बड़ी महिमा है गौ माता का। तो इस प्रकार से हम गौ माता के आज के लिए इस सत्र का यह भी विराम करते हैं, और आगे हम इस पितृपक्ष के, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे भागवत कथा का शीर्षक ही हो गया पितृपक्ष। मुझे बड़ा आनंद आया एक्चुअली कि मैंने देखिए पितृपक्ष के विषय में अन्य अन्य जगहों पे तो बहुत कुछ वर्णन है, लेकिन मुझे आनंद इसलिए आया कि मैंने जो भी सिद्धांत को बताया पितृपक्ष का, वह भागवत से, इसलिए मुझे परम आनंद आया।
भागवत से बताया। इसलिए ऐसा नहीं कि पितृ पक्ष की महिमा मैंने बताया तो भागवत नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। भागवत से ही हमने बताया, रामायण से बताया, बिल्कुल अलग है। हालांकि वर्णन अलग तरीके से है, कर्मकांड में इत्यादि में क्या क्या सब चीजें है वर्णन, लेकिन संतुष्टि मुझे इसलिए प्राप्त हुआ, इसलिए एक शीर्षक जैसा बन गया पितृपक्ष भागवत कथा। तो देखिए संसार में सब दुखी हैं, इस संसार में सब दुखी हैं, कारण यही है कि इस संसार दुखालय है। इस संसार को बनाने वाला जो है ना, इस दुनिया को बनाने वाला जो है ना, इस दुनिया को जब बना रहा था, इस संसार को बना रहा था, उसी समय उसने एक स्टैंप मार दिया। स्टैंप मार दिया एक, क्या है वो स्टैंप? दुखालयम शाश्वतम, इस संसार दुखों का आलय। तो इस संसार में जहां पे दुख है, हम क्या कर रहे हैं? वहां पे सुख की खोज कर रहे हैं। प्राप्त होगा जब दुनिया बनाने वाले ने स्टैंप मार दिया, कह दिया दुनिया बनाते समय कि ये संसार दुखालय है, अगर हम वहां पे सुख की खोज करेंगे तो प्राप्त होगा? कभी नहीं प्राप्त होगा। कितना भी मेहनत कर ले नहीं प्राप्त हो सकता है, चाहे कितना भी मेहनत कर ले नहीं मिल सकता, नहीं प्राप्त हो सकता है। माम वित्त पुनर्जन्म दुखालय अशाश्वतम, भगवान भगवद गीता में कहते हैं, कह दिए। तो इस संसार में दुख है। कोई अगर कभी कभी मैं किसी से मिलता हूं या कोई मिलने आता है ऐसा, तो कभी कभी अपने दुख का वर्णन करता है कि मैं बहुत दुखी हूं या दुख हूं, दुख को प्राप्त किया हूं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ये संसार दुखालय है, इसने समझा है, समझ कि दुख यहां पे दुख है। लेकिन कोई ऐसा आता है, हम ठीक है, सब ठीक है, सुखी हूं मैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि जहां पे सुख नहीं है वहां पे कैसे सुख प्राप्त कर सकता है वो? जो बोलता है सुखी है उसको ज्यादा समझाना पड़ता है कि किस प्रकार से तुम दुखी हो, सुखी नहीं हो। बट जो दुखी दुखी आता है वो समझता है कि संसार दुखालय शाश्वतम है, और वो जल्दी समझ जाता है। ये दुखी व्यक्ति आ जाता है, भगवान भी चार कैटेगरिया बताते हैं ना, कौन कौन, आर्थो जिज्ञासी अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर सभा, जो दुखी है पीड़ित है वो जल्दी आते हैं स्मरण में। लेकिन जो सुखी मानते हैं अपने आप को, वो थोड़ा उनको टाइम लगता है और उनको ज्यादा समझाना पड़ता है। दुखी है, संसार दुख का आलय है, हर व्यक्ति दुख को भोग रहा है। कोई कभी कभी आता है कि दुख बहुत दुख है, मैं यही बोलता हूं कि जहां पे दुख है संसार दुखालय में, वहां पे दुख तो प्राप्त होगा ही ना। अभी कोई हिमालय में गया और वहां पे बहुत बर्फ पड़ रहा है और बोलता है कि बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है, अरे तू इधर ठंडी खाने के लिए आया तो ठंडी लगेगा ना। बर्फ गिरता है तो जहां बर्फ गिरता है वहां ठंडी लगेगा ना। बुद्धिमत्ता इसमें है कि ठंडी मत नहीं खाना था यहां से निकल, ये बुद्धिमत्ता है। तो दुखालय अशाश्वतम, दुखी सब है इस संसार में, कोई भी सुखी नहीं है। इस प्रकार ऐसे दुख का जो निवारण है ना, एकमात्र वर्णन है कि केवल एकमात्र भजन भक्ति और सत्संग से प्राप्त होता है। केवल सत्संग करने मात्र से ऐसे दुख का निवारण है। वर्णन है कि सत्संग जब हम करते हैं जितना टाइम, जैसे कि यहाँ पे जो भी 3 घंटा आप लोग बैठ रहे हैं, जो भी 2-3 घंटा आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे, वर्णन है कि ये जो सत्संग जितने टाइम आपने किया, तो ब्रह्मा जी के द्वारा जो स्थापित आयु है ना कि 60 साल व्यक्ति जिएगा, 80 साल जिएगा,
जितना टाइम आपने सत्संग को में दिया उतना टाइम ब्रह्मा की गिनती में नहीं आता है। मतलब आप लोगों ने तीन तीन घंटा, कभी कभी तो चार घंटा आपने जो श्रवण किया, तो सात दिन में चार चार घंटा मतलब कितना हो गया, तीन तीन घंटा 21 घंटे। ये 21 घंटे ब्रह्मा जी किसमें से निकल गया वो आपको लागू नहीं होगा। तो मैं यही बोलता हूं कि जिसको ज्यादा जीने की इच्छा है ना, उसको ज्यादा सत्संग करना चाहिए, आयु बढ़ जाएगी, ज्यादा सत्संग करना चाहिए। ये ब्रह्मा की गिनती में नहीं आता है सत्संग जो है, और यही सत्संग ही है जो कि हमको दुख से बाहर निकाल सकता है। वर्णन है कि जितना देर तक वो व्यक्ति सत्संग किया ना, वो सबसे ज्यादा सुखी रहा उतना टाइम, अन्य टाइम में वो केवल दुख ही भोगेगा। आप लोग को अनुभव हुआ रहेगा, आप चार दिन से कथा सुन रहे हैं, कितना आनंद आता है, कितना आनंद आता है। देखता हूं तीन तीन घंटे चार चार घंटे कथा चल रही है, लेकिन सब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। ये क्यों होता है, ध्यान क्यों लगा हुआ है, क्योंकि आनंद आ रहा है, सुख प्राप्त हो रहा है, इसलिए ध्यान लगा रहता है, नहीं तो फिर सो जाते सब लोग। तो सत्संग ही सुख को दे सकता है, सत्संग ही। तो इस पृथ्वी पक्ष में जो सुनहरा मौका मिला हम लोग का, इसका सही लाभ ले रहे हैं, हम लोग सही लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। पृथ्वी पक्ष की महिमा को बताते हैं, मैं एक बात को और भी बता दूं। विचार करिए, अपने आप को लेके जाइए उस प्रसंग में जहां पे भगवान रामायण में, जहां पे भगवान रामचंद्र को वनवास की प्राप्ति हुआ, माता कैकेयी ने अपने दो वर को मांगा दशरथ जी से। कैकेयी कोप भवन में, जब से कैकेयी को पता चला, कैकेयी को यह पता चला कि कल राजा राम बनने वाला है, ये कौन बताया, मंथरा ने, राजा कल राम बनने वाला है। कैकेयी को जैसे ही पता चला, मंथरा ने कान को भरा कैकेयी को, कैकेयी तुरंत ही कोप भवन में चली गई। वो कोप भवन मतलब वहां पे दुखी होके बैठ जाते थे, तो राजा आते थे, क्या दुख है क्या समस्या है, और उसका निवारण करते थे। राजा दशरथ गए, बोले कि देवी क्या समस्या है, क्यों कोप भवन में बैठी हो, आज राम का राज्याभिषेक मैं करने वाला हूं, क्योंकि सारी प्रजा तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि एक दिन पहले ही दशरथ को रियलाइज हुआ कि मुझे भक्ति करना चाहिए और राजपाट को छोड़ देना चाहिए। मैं शुरुआत में ही बताया था, तो जब ही उनको ये पता चला कि अभी छोड़ देना राज्यभार, तो उसने वशिष्ठ जी से पूछा था कि मैं भजन करना चाहता हूं, कोई मुहूर्त बताइए। लेकिन वशिष्ठ जी ने बोला कि अगर आप भजन ही करना चाहते हो तो तदैव लग्नम सुधिरम तदैव, तुरंत छोड़ दो, अब भी छोड़ो, राम को बैठाओ सिंहासन पे, निकल पड़ो। लेकिन एक दिन का मोहलत मांगे दशरथ जी की, कल एक दिन का और मोहलत दे दो ताकि मैं सुंदर तरीके से तैयारियां कर लूं। लेकिन एक दिन का मोहलत रात बीता और कैकेयी ने दो वर को मांग लिया, दो वर को मांग लिया कैकेयी ने। कैकेयी से पूछे जब दशरथ जी कि क्यों आप क्यों चिंतित हो, तो उस समय कैकेयी ने बोला कि मैं वो जो दो वर आपने बोला था मुझे देने के लिए, आज उस दो वर को मैं मांग रही हूं। सबसे पहला वर कि कल आज जो राजा आप राम को बनाने वाला हो, राम को नहीं भरत को बनाएंगे, पहला वर। दूसरा वर कि राम को 14 वर्ष का वनवास। जैसे ही ये दो वर मांगा कैकेयी ने, वर्णन है कि दशरथ के प्राण निकलने लगे, दशरथ मूर्छित होकर गिरने लगे। वहां पे दशरथ उस समय कैकेयी को बोल रहे कि और कुछ मांग लो, राजा मैं भरत को बना देता हूं, लेकिन राम को वनवास वाला जो ये वचन है ना, इसको मत मांगो। लेकिन
कहके के जो कान मंथरा ने भरा था कहके बिल्कुल समझी नहीं। उस समय सुमंत्र जी आए और बोले दशरथ जी को कि आप क्यों विलाप कर रहे, क्यों रो रहे। तो उस समय दशरथ जी बोलते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया होगा। सुमंत्र तुम बोलता था ना कि मैं बहुत प्रतापी राजा हूँ, बहुत संस्कारी राजा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत पाप किया रहेगा, निश्चित रूप से पर्वतों में आग लगाया रहेगा, गाय माता को तकलीफ दिया रहेगा, मैंने दुख दिया रहेगा, गुरु को बात को नहीं माना होगा, मैंने पिछले जन्म में बहुत पाप कर्म किया रहेगा सुमंत्र, इसलिए आज मेरे को मेरे जो सबसे प्रिय है राम उसको मुझसे छीन लिया गया, मांग लिया गया, मैं बड़ा दुर्भाग्य हूं पाप। ये सब कहते कहते कहके ही को समझाते समझाते सुमंत्र को ये सब कहते कहते दशरथ तो एकदम मूर्छित अवस्था में चले गए। कहके ही ने उस समय सुमंत्र को बोला कि जाओ राम को बुला के लेके आओ। उस समय वर्णन है कि वशिष्ठ जी राम जी को बोल रहे थे, उनको वशिष्ठ जी रात्रि के समय ही श्री राम जी को बताए कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है, राजा दशरथ आपको सिंहासन पे बैठाने वाला, कल तुम राजा बनने वाले हो, इसलिए कल तुमको उपवास करना है। वर्णन है कि ये बात जैसे ही वशिष्ठ ये बात को जैसे ही वशिष्ठ बताया रामचंद्र को बहुत दुख लगा, दुख लगा, बहुत दुखी हुए भगवान राम, बहुत दुखी हुए। सोचिए कि अगर किसी संसार के व्यक्ति को अचानक बोल दिया जाए कि तुमको प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं कल, खुश होगा कि दुखी होगा? खुश होगा, लेकिन भगवान रामचंद्र बहुत दुखी हुए, दुखी थे, लेकिन गुरु आज्ञा पिता की आज्ञा। उसी समय जब सुमंत्र को कैकेयी ने जब भेजा रामचंद्र के पास, तो सुमंत्र बोले कि माता कैकेयी आपको बुला रही है। उस समय प्रभु रामचंद्र माता के आदेश को तुरंत शिरोधार्य करके तुरंत भाग के माता कैकेयी के पास आए, लेकिन देखे कि पिताजी मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। भगवान रामचंद्र ये दृश्य देखकर पूछने लगे पिताजी से, को एकदम मूर्छित जैसे अवस्था में पड़े हुए थे कि पिताजी पिताजी क्या हो गया आपको। लेकिन पिताजी कुछ बोल सके ऐसा उनके पास शक्ति नहीं था, कुछ वर्णन कर सके। उस समय प्रभु राम ने माता कैकेयी को पूछा कि माता आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, क्या समस्या हुआ कि पिताजी की ये हालत है, आप कृपया करके मुझे आप बताइए। उस समय कैकेयी ने अपने हृदय के ऊपर पत्थर रखकर बोला कि कुछ नहीं, इन्होंने मुझे कभी तो दो वर वरदान दिया था, उस दो वर को मैंने आज मांग लिया और वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए इनकी ये हालत हो गई। तुरंत ही भगवान राम ने माता कैकेयी को पूछा कि बस इतना ही बात माते, आप बताओ दो वर कौन सा है, मैं अभी आपको दे देता हूं, आप बताइए, कृपया तुरंत बताइए। उस समय कैकेयी माता ने बताया, सबसे पहला कि कल आज तुम्हारा जो राज्याभिषेक होने वाला है, राज्याभिषेक जो होने वाला है तुम्हारा नहीं भरत का होगा। प्रभु रामचंद्र ने जैसे ही ये सुना कि बस माते इतनी बात, मैं तो प्रसन्न हो गया। सच कहूं माते, जब से मैंने ये बात सुना ना वशिष्ठ जी से कि मुझे राजा बनाने जा रहे हैं, उस समय से मेरे को दुख लगा हुआ था। माते तुमने तो मेरी मन की बात को समझ लिया, क्योंकि मैं हृदय से नहीं चाहता था कि मैं राजा बनूं, क्योंकि मैंने ये देखा कि अभी तक अयोध्या में सब कुछ ठीक चल रहा था, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये सारी चीजें अच्छे से चल रहा था। लेकिन जैसे ही गुरु वशिष्ठ मेरे पास ये प्रस्ताव लेकर आए कि कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है, माते मैं उसमें बहुत दुखी हुआ। दुख इसलिए लगा मुझे कि हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ में हुआ, हम खेले कूदे एक साथ में, हमारा परवरिश एक साथ में हुआ, हम पढ़े लिखे एक साथ में, एक पाठशाला में पढ़े, लेकिन जब राजा बनाने वाली बात आई तो दशरथ ने केवल मुझे ही क्यों चुना, मेरे भाइयों को क्यों नहीं चुना, मुझे इस दुख बहुत सता रहा था। माते
बहुत सता रहा था, इसलिए माते तुमने मेरी मन की बात कह दी, मन की बात कह दी। मैं तो इस प्रसंग पे, मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रसंग, इस प्रसंग पे मुझे यही बात याद आती है कि संसार में अगर लोग ऐसा सोच रखने लगे, घर में अगर जो बड़े बुजुर्ग है या बड़े भाई है इस प्रकार का सोच रखे ना, तो उसी दिन से राम राज्य आ जाए, उसी दिन से आ जाए। लोग सब लोग राम राज्य चाहते हैं, लेकिन राम ने क्या किया वो कोई नहीं चाहता है। राम राज्य सब लोग चाहते हैं, लेकिन राम ने क्या किया, क्या करना वो कोई नहीं चाहता है। इस प्रकार की सोच देखिए प्रभु रामचंद्र का। प्रभु रामचंद्र ने, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि कोई सोचे कि ऐसा ही दिखावे के लिए बोलते हैं, वर्णन है कि प्रभु रामचंद्र ने उस समय शिव जी का शपथ खाया, शिव जी का शपथ खाया कि मैं बहुत दुखी था और मैं तो अभी बहुत खुश हूं माते, बहुत खुश हूं कि भरत का राज्याभिषेक हो, भरत राजा बने। और वैसे भी माते मैं इस अयोध्या से थोड़ा कुछ दिन बाहर जाना चाहता था मैं तो। रामचंद्र बता दिए, देखिए रामचंद्र ने ये बात बोल दिया जब ही, तो कह के वो दूसरा वर मांगने की जरूरत नहीं थी, एक्चुअली जरूरत नहीं थी, लेकिन कैकेयी का जो संगति जो हुआ था ना, वो बहुत बेकार लोग से संगति हुआ था, मंत्रा से। इसलिए बोलते हैं कि संगति ना सोच विचार के करना चाहिए। आप केवल स्मरण करिए रामायण को, पूरे रामायण में कैके मंथरा कौन थी, क्यों नाम मंथरा है, वो मंथरा थी, लेकिन मंथरा का घर कौन सा था, उसके पिता कौन से थे, क्या थे, कहीं वर्णन नहीं है। तो जिसके बारे में हमको जानकारी नहीं है ना, कभी भी उस व्यक्ति का संगति नहीं करना चाहिए, उसको कभी भी नहीं श्रवण करना चाहिए। आपने सुना कि रामायण में बड़े बड़े रसलों का वध हुआ, रावण मारा, बहुत सारे जितने भी असुर थे सारे लोग, कुंभकर्ण इत्यादि सारे असुर मारे गए, लेकिन कभी आपने सुना कि मंथरा का मृत्यु हुआ? मंथरा नहीं मरी है, रामायण में कहीं भी वर्णन नहीं कि मंथरा मर गई, कहीं वर्णन नहीं है। सारे पात्र का वर्णन है किसका क्या हुआ, लेकिन मंथरा का कहीं वर्णन ही नहीं है। इसका मतलब मंथरा आज भी जीवित है, हो सकता है हमारे बीच में भी, हमारे बाजू में भी बैठे हो, आज भी जीवित है वो। इसलिए संगत किसी का करना है ना, उसके विषय में जान के संगत करना है, आंख बंद करके नहीं करना है। लोग आंख बंद करके संगत करते हैं, जिसके कारण पथ भ्रमित हो जाते हैं, लोग भ्रष्ट गलत पथ पे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से, लेकिन कैकेयी ने उस दूसरे वर को भी मांगा दूसरा, क्योंकि प्रभु राम ने बोला कि माते दूसरा वर बताओ, ये तो मैं दे दिया और इसने तो मेरे को बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय माता कैकेयी ने भगवान रामचंद्र को बोले कि तुमको 14 वर्ष तपस्वी का वेश धारण करके वनवास में जाना है। प्रभु ने बोला कि माते तुम्हारे, तुमने तो मेरी इच्छा पूर्ति कर दी, क्योंकि मैं जाना चाहता था, बहुत हो गया राजपाट, इधर राजा की तरह जिया, लेकिन अभी मैं बाहर जाना चाहता था घूमने के लिए, मेरी इच्छा को पूरी कर दिया मैया आपने, बहुत इच्छा को पूरी कर दिया, क्योंकि मैं स्वयं से जाना चाहता था। इसलिए मैं आज समझा कि तुम माते तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्रेम करती हो, आज समझा मैं बहुत प्रेम करते हो, क्योंकि मेरे मन की बात को तुमने जाना, इसलिए माते। और मैं बहुत भाग्यशाली हूं, भाग्यशाली हो कि मैं आपके आदेश का पालन करने जा रहा हूं, क्योंकि वहां पे वर्णन है, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि वो पुत्र जो अपने माता पिता के आदेशों का पालन करता है, उससे बड़ा भाग्यशाली जी कोई और इस संसार में नहीं हो सकता है। प्रभु ने ये बताया कि मैं सबसे बड़ा भाग्यशाली हूं कि जो कि आज अपने माता पिता के सेवा करने का, पिताजी का सेवा मतलब अभी मूर्छित पड़े थे और नहीं पूरा कर पा रहे थे, लेकिन रामचंद्र ने अपने ऊपर लेकर
उसको पूरा करने जा रहे हैं और माता का आदेश का पालन करने जा रहे हैं, इसलिए अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि ऐसा पुत्र बहुत बड़ा सौभाग्यशाली होता है जो अपने माता पिता के आदेशों को पालन करता है, कभी ठुकराता नहीं है। कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, कभी कभी लोगों की इस प्रकार की धारणा है कि मेरा बाप तो हिरण्यकश्यप है, असुर है, क्या करे, कुछ भी है, तुम्हारा बाप है, तुम्हारा पिता है। आप विचार करिए कि हिरण्यकश्यप के घर में जो प्रहलाद था, प्रहलाद को उसके बाप ने कितना तकलीफ दिया, उतना तकलीफ तो हमको नहीं मिल रहा है ना, कितना तकलीफ दिया, फेंक दिया उसको नदी में, सर्पों के बीच में डाल दिया, कितनी यातनाएं दिया, क्या क्या दिया, कितना कष्ट दिया उस प्रहलाद को हिरण्यकश्यपु ने। लेकिन प्रहलाद की निष्ठा जो है भगवान में कम नहीं हुई, और उस समय जब ये पूछा कि तुम्हारा भगवान किधर है, क्या खंभे में है, तो उस समय प्रहलाद ने बोला तो भगवान खंभे से प्रकट हो गए। उस समय जब भगवान नरसिंह देव खंभे से जब प्रकट हुए, तो उस समय उनके पास कोई नहीं जाना चाहता था, कितनी इतना विकराल रूप था। उस समय प्रहलाद को आगे किया गया, क्योंकि उसके लिए भगवान ने प्रकट हुए थे, प्रहलाद को आगे रखकर प्रहलाद को भेजा गया, और प्रहलाद ने बहुत सुंदर सा स्तुति किया, और उस समय भगवान नरसिंह देव प्रहलाद के ऊपर प्रसन्न होकर बोलते हैं कि मांगो, तुमको क्या मांगना है। प्रहलाद को भगवान नरसिंह देव पूछ रहे कि क्या चाहिए तुमको, बताओ, मैं तुमसे परम प्रसन्न हो चुका हूं, प्रसन्न हो गया हूं मैं। उस समय प्रहलाद ने यही मांगा कि प्रभु मेरा जो पिता है ना, उसका उद्धार कर दीजिए। आप विचार करिए, प्रहलाद ने क्या मांगा, मेरे पिताजी का उद्धार कर दिए। नरसिंह देव ने बोला कि पिताजी का तो थोड़ा तुम्हारे 21 पीढ़ी का उद्धार कर दिया मैंने। जो भी भगवान के शरण में चला जाता है, केवल उसका ही उद्धार नहीं होता है, उसके 21 पीढ़ियों तक का उद्धार हो जाता है। भागवत के सप्तम स्कंद में यह प्रसंग बहुत अच्छा आता है। विचार करिए प्रहलाद, मांगा तो क्या मांगा, जो बाप ने उसको पूरे जीवन भर तकलीफ दिया, उसके उद्धार की कामना किया उसने, और कुछ नहीं मांगा। ये है पितृ, ये है पितृ की महिमा। तो आइए हम इस भागवत को और आगे, ये भागवत ही कहा है मैंने, तो भागवत के प्रसंग को और आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं। तुमने कहां पे कल स्टॉप किया था, किसी को याद है? पितामह भीष्म स्तुति, भगवान की स्तुति करने जा रहे हैं। सब लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में पहुंचे है ना, और पितामह भीष्म बहुत सुंदर उपदेश दिए। उपदेश देते देते क्या हुआ, कृष्ण के ऊपर उनका नजर पड़ा, और यहां पे हम कथा समाप्त किए थे। आज कथा हम यहीं से सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कल कुछ भक्तों का प्रश्न था एक, क्योंकि मैंने महाभारत से संबंधित कई कुछ कथाओं को कहा, तो कुछ भक्तों का प्रश्न ऐसा था कि पितामह भीष्म को आपने ब्रह्मचारी तो बना दिया, लेकिन फिर उनका वंश कैसे आगे बढ़ा, उसका थोड़ा वर्णन करना है, क्योंकि उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा तो ले लिया, लेकिन फिर आगे उनका किस प्रकार से पांडव, किस प्रकार से क्या क्या सब सारे चीजें, थोड़ा प्रश्न उठा, तो थोड़ा उस प्रश्न को क्लियर करते हुए मैंने स्किप किया था एक्चुअली, क्योंकि महाभारत की कथाएं ऐसी है ना कि एक से निकलते हैं, दूसरा शुरू होता है, तीसरा शुरू होता है, फिर बहुत शुरू होने के बाद पता चलता है वापस वहीं फिर से आए तो इसलिए मैंने स्किप किया था, लेकिन प्रश्न उठा तो फिर से मैं बता दूं कि जो ये वंशावली
महाभारत के सारे पात्रों की वंशावली ऐसा है कि राजा, मैं राजा भरत से शुरू करता हूं क्योंकि राजा भरत से ही देश का नाम भारत पड़ा। उससे पहले भी राजा भरत से भी पहले कथा है, लेकिन और ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो राजा भरत से हम प्रारंभ करते हैं कि एक ऐसे राजा भरत हुए चक्रवर्ती सम्राट, इतना प्रतापी राजा थे। वर्णन है कि जब वो बचपन में खेलते थे ना, हम बचपन में बच्चों को क्या देते हैं, खिलौना है ना, खिलौना बना बना के देते हैं, वो खेलते हैं तोड़ते हैं, खेलते हैं तोड़ते हैं। लेकिन ये भरत जो था ना, बचपन से ही इतना प्रतापी था, तो इसका खिलौना क्या होता था पता है, वो शेर के साथ खेलता था, शेर के साथ। जब वो घर से बाहर निकलता था ना, शेर भी सोचता था कि अरे मेरे को ये खिलौना बनाएगा शेर भी सोचता कि मेरे को अभी अब मेरे को खिलौना बनाएगा ये। कितना प्रताप था उसका, इस बालक का, इसलिए बहुत प्रतापी राजा हुए, इसलिए इनके नाम पे इस भारत नाम पड़ा, भरत के नाम पे भारत नाम पड़ा, इतने प्रतापी राजा थे। तो राजा भरत के पुत्र प्रतीक और प्रतीक के पुत्र, तीन पुत्र हुए, राजा भरत के पुत्र प्रतीक हुए और प्रतीक के भी इस जो भी मैं गिना रहा हूं सब राजा हुए, प्रतीक भी राजा हुए और फिर प्रतीक के तीन पुत्र हुए। उसमें जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था, राजा प्रतीक के सबसे छोटे पुत्र का नाम था शांतनु, सबसे छोटे पुत्र का। तो यहां पे भी वर्णन है कि सबसे छोटे पुत्र को क्यों राजा बनाया गया, इसलिए बनाया गया क्योंकि ये बहुत बड़े विद्वान थे, बुद्धिमान थे, ये सक्षम थे, क्योंकि केवल बड़ा ही नहीं देखा जाता था, ये भी देखा जाता था कि राज्य को संभाल सकता है कि नहीं, इसके पास ताकत है कि नहीं, वैसी बुद्धि है कि नहीं, तब जिया जाता था राज्य को। तो शांतनु बहुत ही प्रतापी थे, इसलिए राज्य का कारोबार जो है इन शांतनु को दे दिया गया। तो शांतनु जिसका विवाह गंगा से हुआ, फिर गंगा का हमने कथा सुना कि किस प्रकार से वो सारे पुत्रों को इस प्रकार से मारते गई। बाद में विष्णु पितामह ने भी अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए प्रतिज्ञा ले लिया। उसके बाद सत्यवती का विवाह जो है वो किससे हो गया, शांतनु से हो गया सत्यवती का जब विवाह, उसमें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया शांतनु ने विष्णु पितामह को, क्योंकि इतना बड़ा त्याग किया वो पिता के लिए। उसके बाद सत्यवती के दो पुत्र हुए, शांतनु महाराज का सत्यवती के साथ जब विवाह हुआ तो सत्यवती के दो पुत्र हुए, जिस पुत्र का नाम है चित्रांगद और विचित्र वीर्य, चित्रांगद और विचित्र वीर्य। तो ये दोनों में जो बड़ा पुत्र था चित्रांगद, ये भी बहुत बड़ा प्रतापी था चित्रांगद, सत्यवती के इन दो पुत्रों में से जो चित्रांगद था वह बहुत बड़ा प्रतापी था। एक बार की वर्णन है कि वह इंद्र को मदद करने के लिए स्वर्ग गए, स्वर्ग में गए, वहां पे युद्ध चल रहा था, क्योंकि तब के पृथ्वी के जो राजा होते थे ना उनकी मदद स्वर्ग के लोग भी लिया करते थे और वो स्वर्ग जाया आया करते थे। इसलिए आप देखे होगा कि जब अर्जुन को विद्या सीखना हुआ वो धनुर्विद्या ये सारे चीजें क्या क्या वो सब स्वर्ग में जाके सीखा था, कभी भी जा सकते थे आ सकते थे स्वर्ग में, इतने ऐसे प्रतापी राजा हुआ करते थे। तो स्वर्ग में गए और युद्ध करते करते वर्णन है कि किसी गंधर्व के जो राजा थे उनके साथ युद्ध छिड़ा, और युद्ध करते 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 ये युद्ध बहुत लंबा दिनों तक चला, 5 साल तक युद्ध चला। लेकिन भूख और प्यास के कारण ये जो चित्रांगन थे ये उस युद्ध में पराजित हुए और मारे गए, चित्रांगन मर गए। उसके बाद राज्य को
विचित्र वीर को दे दिया गया, दूसरा जो पुत्र था। और उसी समय जब राज्य को दिया गया और उसी समय पितामह भीष्म ने इस विचित्र वीर का विवाह के लिए और राजा नरेश की दो कन्याएं जो अंबा और अंबालिका है उनको लेकर इनके साथ विवाह कराते हैं। वो अंबा अंबालिका अभी उधर नहीं जाएंगे, सीधा सीधा हम बता रहे हैं। अंबा और अंबालिका का विवाह हुआ विचित्र वीर के साथ। लेकिन ये विचित्र वीर ये छोटा था तो इतना सत्यवती ने इसको बड़े लाड़ प्यार से पाला था। विवाह के उपरांत तो वह भोग विलास में लग गया और भोग विलास करते 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 इसको भी कुछ रोग हुआ और यह भी मर गया, विचित्र वीर भी मर गया। अभी सबसे बड़ी समस्या खड़ी होगी हस्तिनापुर के लिए कि अभी हस्तिनापुर का युवराज कौन, सब खत्म, क्या करें। बड़ा प्रश्न हुआ। उस समय भीष्म पितामह को बहुत समझाया गया लेकिन भीष्म पितामह ने, क्योंकि छत्री एक बार प्रतिज्ञा ले लेता है ना, उस प्रतिज्ञा को नहीं तोड़ सकता है। बहुत समझाया गया भीष्म पितामह को लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा को उन्होंने नहीं छोड़ा। कोई और उपाय बताइए, कोई और उपाय बताइए। उस समय माता ने, माता सत्यवती ने याद करवाया भीष्म पितामह को कि जाओ वेद व्यास ऋषि के पास, वेद व्यास के पास जाओ और निश्चित रूप से वो हमारी समस्याओं का समाधान करेंगे। तो उस समय पितामह भीष्म बोले कि माते वेद व्यास वो क्या समझ, मैं समझा नहीं। बोले कि आप जाइए वही समझा देंगे आपको। वास्तव में ये वेद व्यास जो थे ये भी सत्यवती के पुत्र थे, सत्यवती के पुत्र वेद व्यास ही। अभी प्रश्न यह कि शांतनु के साथ जब विवाह हुआ था तो ये तो तभी शादीशुदा तो थी नहीं, यंग कन्या थी। वर्णन है कि मत्स्य गंधा बहुत सुंदर थी, इनका पुत्र। लेकिन वेद व्यास जिससे पुत्र की प्राप्ति हुआ था सत्यवती को, वो थे पराशर ऋषि। पराशर ऋषि ने ये देख लिया था पहले ही अपने दिव्य चक्षु से कि आगे क्या होने वाला है। इसलिए एक समय जब सत्यवती नौका विहार कर रही थी उस समय पराशर ऋषि ने इस दृश्य को सत्यवती को बताया कि तुम आगे चल के हस्तिनापुर के भविष्य बनने वाले हो, भविष्य बनने वाले हो। और उसी समय पराशर मुनि के सारा आगे की बातें को सत्यवती को पहले ही बता चुके थे, जिसके कारण इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको अभी एक पुत्र को जन्म देना पड़ेगा। सत्यवती डर गई, प्रभु कैसे यह संभव है, मैं तो अभी कुमारी कन्या हूं। तो उस समय पराशर ऋषि ने बोला कि तुम चिंता मत करो, तुम पुत्र को भी जन्म दोगे लेकिन तुम कुमार की कुमारी की कुमारी ही रहोगी। उस समय पराशर ऋषि के तेज से दिव्य दृष्टि डालने से उनको एक पुत्र की प्राप्ति हुआ जिसका नाम वेद व्यास पड़ा और वो तपस्या में लग गए और सत्यवती कुवारी की कुवारी रह गई। और इधर सत्यवती इसी दृश्य को याद करके अपने पुत्र वेद व्यास को याद करते हुए भीष्म पितामह को वेद व्यास जी के पास भेजे और वेद व्यास जी वो भी जानते थे। और पितामह भीष्म जैसे ही आए बोले कि मैं जानता हूं आप क्यों आए हो, कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, चलिए चलते हैं। माता के पास सत्यवती के पास आए, माता ने सारा दृष्टांत सुनाने से पहले बताया कि क्योंकि वेद व्यास बोले माते बताओ क्या आदेश है आपका। माता ने बोला जब सब कुछ जानते हो तो पूछ क्यों रहे हो। तो उस समय माता ने बताने के दौरान उस समय अंबा और अंबालिका वेद व्यास जी अंबा और अंबालिका के पास जाते हैं। तो सबसे पहले वो अंबालिका के पास जाते हैं, वो रूम में रहते हैं, अंबालिका आती है क्योंकि विवाह थोड़ी ना करना था, उनके दृष्टिपात करने मात्र से उनको पुत्र होने वाले थे। तो
माता सत्यवती ने अम्बालिका को समझाया बुझाया और समझा बुझा के ऋषि के कक्ष में पहुंचा। उस समय एक्चुअली वेद व्यास ऋषि एक साल का मोहलत मांगे थे, माता सत्यवती से एक साल का मोहलत मांगे थे कि माता ये मैं कार्य जरूर करूंगा लेकिन मुझे एक साल का मोहलत दे दीजिए। सत्यवती ने बोला कि मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है, इस हस्तिनापुर के भविष्य को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ और बिल्कुल समय नहीं है। और इस समय इसलिए मांगा था वेदव्यास ऋषि क्योंकि उस समय वो तपस्या कर रहे थे और उनका शरीर पूरा एकदम दाढ़ी बाल मूंछ एकदम बड़े बड़े थे, क्योंकि वो एक साल का मोहलत मांग के ये सारा चीजें अपने आप को एक यंग के रूप में लेके आते और एक कार्य को करने के लिए तैयार थे। लेकिन माता सत्यवती बोली नहीं मेरे पास समय नहीं है। अम्बालिका को भेजा, उस समय जैसे ही वेदव्यास ऋषि अम्बालिका की तरफ जैसे ही देखे तुरंत ही अम्बालिका डर गई और डर बस उसने अपने आंख को बंद कर लिया और कांपने लगी, कांपने लगी। वेदव्यास ऋषि का दृष्टिपात हुआ, उसके बाद वेदव्यास ऋषि आए माता सत्यवती के पास कि माते चिंतित लग रहे थे। माता ने पूछा कि क्या आप चिंतित क्यों हो, बोला कि माते मुझे जो डर था वही हुआ इसलिए मैं आपसे एक साल का मोहलत मांगा था। अम्बालिका आई तो आई लेकिन वो डर गई मुझे देखकर और अपने आंख को बंद कर लिया। पुत्र तो होगा लेकिन वो पुत्र अंधा होगा, जिसके बाद में अम्बालिका से धृतराष्ट्र उत्पन्न हुए। कुछ नहीं अभी भी आशा था। अंबिका, अंबिका को भेजा माता ने, उस समय अंबिका गई और जब दृष्टिपात हुआ वेदव्यास ऋषि का तो इसने आंख तो नहीं बंद किया लेकिन डर तो जरूर गई, कांपने लगी, ऐसा लगा उसका प्राण चला जाएगा, अभी डर गई ये भी और पसीने निकलने लगे और पूरा पीला पड़ गई। दृष्टिपात किए, वापस माता के पास गए, बोले माते इसने आंख तो नहीं बंद किया क्योंकि सत्यवती ने अंबिका को समझा के भेजा था कि आंख मत बंद करना है तू तो आंख तो नहीं बंद किया लेकिन डर तो उसको कौन रोक सकता है, डर को डर तो डर रहता है। तो बोले कि एक पुत्र होगा तो होगा लेकिन हमेशा बीमार रहेगा और स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा इसका। सत्यवती को फिर से टेंशन हुआ फिर क्या होगा, इसलिए सत्यवती ने एक और रिक्वेस्ट किया वेदव्यास ऋषि से कि एक मौका और दीजिए, एक मौका और, एक बार और। उस समय माता सत्यवती अंबा और अंबालिका के पास गई और उनको समझाई बुझाई और समझा बुझाकर निकल गई सत्यवती, माता सत्यवती और ये अंबा और अंबालिका अभी तो एक पास में थे और बोले कि हम तो नहीं जाएंगे। दोनों बोले कि हम नहीं जाएंगे, बोले हम नहीं जाएंगे फिर, लेकिन माता का आदेश है, माँ ने आदेश दिया तो उसको पूरा तो करना पड़ेगा ना। तो उस समय दोनों ने निर्णय लिया कि हम अपनी दासी को भेज देते हैं। भेज दिया गया दासी को, दासी को भेजे। उस समय वेदव्यास ऋषि का दृष्टिपात हुआ और वेदव्यास ऋषि तो देख लिए लेकिन वो दासी इतना प्रसन्न हुई ऋषिवर को देखकर कि सोच नहीं सकते थे, बहुत परम प्रसन्न हो गई दर्शन करके वेदव्यास जी का और उनका दृष्टिपात हुआ। और उसके बाद वेदव्यास ऋषि सत्यवती के पास आते हैं और बोलते माते बहुत खुश थे और माता सत्यवती ने सोचा कि चलो कुछ तो अच्छा हुआ रहेगा अभी, लेकिन बोले कि माते भेजा तो भेजा लेकिन उन लोगों ने अपनी दासी को भेज दिया था इसलिए उस दासी का जो पुत्र होगा ना प्रचंड विद्वान होगा और महाभागवत होगा और जिससे उस दासी से पुत्र जो उत्पन्न हुआ उनका नाम पड़ा विदुर। तभी पांडु धृतराष्ट्र विदुर आगे की श्रृंखला हो गया ना, तो आगे बढ़ते भागवत को। तो इस प्रकार से ये जो श्रृंखला चली थी उनकी परंपरा, तभी हम लोग ने कल कथा समाप्त किए थे भीष्मदेव के सामने पूरा हस्तिनापुर महाराज युधिष्ठिर महाराज
सारी प्रजा को लेकर अभी पितामह भीष्म के पास पहुंचे और पितामह भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और उपदेश देकर जब भी उनकी नजर कृष्ण के ऊपर पड़ी, भगवान के ऊपर जब उनका नजर पड़ा, उपदेश समाप्त हुआ, जब भगवान के ऊपर जब नजर पड़ा भीष्म पितामह का, तो उस समय पितामह भीष्म सुंदर सा मुस्कान देने लगे, मुस्कुराने लगे। भगवान बोले कि पितामह भीष्म जल्दी करिए, क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था ना, भगवान जानते थे। भगवान बोले कि थोड़ा जल्दी शरीर त्याग करिए, हमको क्यों इतना अभी लेट करवा रहे हो, परेशान कर रहे हो, कब से हम खड़े हैं, उपदेश दिए, अभी उपदेश समाप्त, आप जल्दी से शरीर को त्याग दीजिए अभी। उस समय पितामह भीष्म बोले कि केशव नहीं, अभी ये तुम बोल नहीं सकते हो कि मैं, ये मेरी इच्छा है कि मैं शरीर कब त्यागूं, मेरी इच्छा है, आपका काम है खड़े रहना, खड़े रहो, खड़े रहो। पितामह भीष्म कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सा रुडलोचनुल्लसा मुखाम्बुजो नपत चतुर्भुजम्। हे केशव आप खड़े रहो, मेरी इच्छा है मैं कब अपना शरीर छोड़ू, आपका काम खड़े रहना है, खड़े रहो, रुक्मणी का फोन तक मत उठाना, और कैसे खड़े रहना है ये बता रहे हैं भीष्म पितामह, खड़े कैसे रहना वो भी बता रहे हैं, जैसे कैमरा वाला होता है ना, बोलता है ना कैसा मुस्कान दो, ऐसा खड़े रहो, ऐसा खड़े रहो, फोटो बराबर नहीं आना। पितामह भीष्म बोल रहे हैं, बता रहे कि कैसे खड़े होना है, ये जो हिनोमी है मेरा, हिनोमी हम जो ये शरीर है ना त्यागने का, ये मेरी इच्छा है, मैं कब त्यागू, तुम्हारा काम खड़े रहना, खड़े रहो। विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं कि सारी दुनिया जो है जगन्नाथ स्वामी नयन पथ गामी भवत में गाते हैं ना, कि भगवान आप हमारे नजरों के सामने आ जाइए, आज भगवान नजरों के सामने आ गए तो भीष्म दादागिरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। लेकिन भीष्म पितामह थे वो, और बता रहे हैं कि कैसे खड़ा होना है। प्रसन्न हासा रुड़ लोचन लोसा, प्रसन्न मुद्रा में एकदम मुस्कुराते हुए, प्रभु आप मेरे सामने खड़े रहो, खड़े रहो। हमने अभी तक सुना कि अहम, कि भगवान स्वतंत्र है ना, भगवान स्वतंत्र है, हमने यही सुना ना अभी कुछ पिछले कई श्लोकों की व्याख्या करते हैं, कि कुंती महारानी की स्तुतियों में भी सुना नमस्ते पुरुषम आद्यम ईश्वर प्रकृति परम, स्वतंत्र है भगवान, आदि पुरुष है। लेकिन जिस भागवत में लिखा गया है कि भगवान स्वतंत्र है, उसी भागवत में इस बात को भी लिखा गया है कि भगवान परतंत्र है, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, भक्तों के अंदर में हूं, मैं अहम भक्त पराधीन हूं, भक्तों के सामने भगवान कुछ नहीं कर पाते हैं, उनके अधीनस्थ होते हैं। तो प्रसन्न हासा प्रसन्नता से सुंदर सा मुस्कान देते हुए मेरे इस नयन के सामने आप खड़े रहो प्रभु, प्रसन्न हासा सुंदर सा मुस्कान देते हुए, और इस प्रकार से भगवान के भीष्म पितामह के कहने पर भगवान एकदम जैसी उनकी इच्छा थी वैसे उनके सामने खड़े रहे, खड़े रहे। तब पितामह भीष्म
भगवान का बहुत सुंदरता स्तुति करने लगे, जैसे कल कुंती महारानी ने किया ना, वैसे पितामह भीष्म का भी स्तुति बहुत ही सुंदर स्तुति है। वैसे इस स्तुति का तो सुंदर गायन किया जा सकता है, लेकिन गायन करने में समय जाएगा, इसलिए हम इसको संक्षेप में कुछ श्लोकों का, कुछ स्तुतियों का हम वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे। विष्णु पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मते रूप कल्पिता वितिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोवने, इति मते रूप कल्पिता वितिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभोवने, स्वसुखमुपगत क्वचित् विहरतुं भगवति सात्वत पुंगवे विभुवने, इति मते रूपकल्पिता वितिष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुवने, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं प्रकृति मुपेयुष्याद्भव प्रवाह। भीष्म पितामह स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, हे केशव, मेरी एक कन्या है, कुंवारी कन्या, मेरी एक कुंवारी कन्या है जिसका मैं विवाह तुमसे कराना चाहता हूं। कृष्ण, मुझे एक चिंता लगी हुई है, ये अंत समय में जब मैं अपने शरीर को त्यागने जा रहा हूं, उस समय मुझे एक बहुत बड़ी चिंता है। वह चिंता क्या है कि मेरी एक कुंवारी कन्या है जो कि वो कुंवारी रह गई है, मैं उसका विवाह कराना चाहता हूं। जैसे ही इस बात को बोले, सोचे कि जितने भी सारे लोग उसमें उपस्थित थे, वो सोचे कि पितामह भीष्म क्या बोल रहे हैं, अखंड ब्रह्मचारी व्रत लिए हुए थे और अंत समय में बोल रहे कि हमारी एक कन्या है। कृष्ण भी मुस्कुराने लगे कि पितामह आप तो छुपे रिश्तों निकले छुपे रिश्तों निकले आप तो, हम तो अभी तक पूरा संसार जानता था कि आप तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किए, लेकिन ये कुंवारी कन्या कहां से आ गई आपके, और उस कन्या को लेकर आप अंतम समय में चिंतित हो। पितामह भीष्म बोले, केशव ये मजाक करने वाला समय नहीं है, केशव और एक कुंवारी कन्या और कोई नहीं, एक कुंवारी कन्या और कोई नहीं, इति मति रूप कल्पिता विष्णु, इति मति ये मेरी मति है जो ना, ये मति रूपी मेरा कुंवारी कुंवारी रह चुकी है, कन्या मेरी मति जो है ना, ये है कन्या जिसका जिसका कि विवाह मैं आपसे कराना चाहता हूं। मेरी एक कुंवारी कन्या जो है, ये मन रूपी जो कन्या है, इति मति रूप कल्पिता, ये मन रूपी जो मेरी कन्या है, इसका विवाह मैं आपके साथ कराना चाहता हूं। तो कृष्ण बोले, अच्छा तो क्या कि ये जो कन्या है, आप जिस कन्या को मेरे साथ विवाह कराना चाहते हो, उसका गुण क्या है, गुण क्या है उस कन्या का, क्योंकि गुण होना चाहिए ना कुछ। देखिए भगवान भी पूछे विवाह करने के लिए, तो क्या पूछे, कैसा गुण है। किसी ने मुझे उससे आज ही शादी के विषय में पूछा, तो ये समझ ले कि किससे शादी करना है, क्या करना है। भगवान ने भी पूछा कि तुम्हारे इस कुंवारी कन्या में गुण क्या है, क्या गुण है। तो पितामह भीष्म कहते हैं, ये जो मेरी मति है, मति रूपी जो मेरी कन्या है, इति मति रूप कल्पिता वितिष्णा,
भी तृष्णा है, सारी तृष्णाओं से मुक्त है प्रभु, ये सारी तृष्णा से मुक्त हो चुकी है मेरी कन्या, इसलिए मैं इस कन्या का विवाह आपसे कराना चाहता हूं। सारी तृष्णा इस संसार के जितना भी भोग प्यास है ना, जितने भी तृष्णाएं हैं, ये सबसे मुक्त हो चुका है। ये जो हमारा मन रूपी जो कन्या है, इसकी सारी तृष्णाएं सारी भोग प्यास मिट चुकी है, क्योंकि भीष्म पितामह इसलिए अपने मन को, मन रूपी इस कन्या को इसलिए देना चाहते थे कृष्ण को, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है कि मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषयाना, कि ये जो हमारा मन है ना, मन मन एवं मनुष्यानाम, मनुष्य का जो मन है ना, मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंधन मोचे, एक बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। बांधाय विषया संगे निर्मुक्ता विषया मना, यही मन हमको विषयों से बांध सकता है और यही मन हमको विषयों से मुक्त कर सकता है, इसलिए इस मन रूपी कन्या को पितामह भीष्म आज कृष्ण के साथ विवाह कराना चाहते हैं। और पितामह भीष्म कृष्ण के साथ इस मन रूपी कन्या का विवाह कराना चाहते हैं और कहते हैं कि विभी तृष्णा, भगवान जब पूछते गुण क्या है तो कहते सारी तृष्णाओं से मुक्त हो चुकी है। तो मानो कृष्ण पूछते हैं, चलो ठीक है सारी तृष्णाओं से मुक्त, सुंदर गुण है आपके कन्या के अंदर, लेकिन कभी आपने ये देखा कि आपका दामाद कैसा है, आपके दामाद के विषय में भी जाना है, कैसा दामाद है आपका, उसके विषय में जानते हो, कैसे ही आंख बंद करके शादी करा देना चाहते हो। तो उस समय पितामह भीष्म कहते हैं भगवत सात्वत पुंगवे विभोग नहीं, प्रभु आप तो साक्षात भगवान हैं, साक्षात भगवान हैं, वैकुंठ में निवास करने हैं मानने वाले हैं और स्वसुख मुपगत, आप स्वयं सुख प्राप्त करने के लिए, लीला करने के लिए संसार में आकर एक मनुष्य के जैसा रोल निभाते हैं और लीला करते हैं प्रभु, लेकिन आप तो भगवान हैं, भगवान है आप, भगवान है प्रभु आप, तो इसमें कोई दुरा नहीं कि मैं जिसको दामाद बनाने जा रहा हूं वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, प्रभु भगवान हो आप। तो कृष्ण ने सोचा बूढ़ा ज्ञानी तो बहुत है, तो कृष्ण ने बोला कि चलो ठीक है तुम्हारी कन्या सुंदर है, कुवारी है और बहुत सुंदर गुण है उसके अंदर, बहुत सुंदर उसके अंदर गुण है, और दामाद भी तुम बोल रहे हो कि बहुत अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारी कन्या को पूछा तुमने, तुम्हारी बेटी को पूछा तुमने कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, पूछा तुमने क्या वो मुझे पसंद करती है कि नहीं, कहीं जबरदस्ती तुम बेटी का विवाह मेरे साथ तो नहीं कर देना चाहते हो, बेटी को पूछा कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं पसंद करती है। उस समय पितामह भीष्म बोलते हैं कि प्रभु आपको कौन नहीं पसंद करता है। पितामह भीष्म स्तुति को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं प्रभु आपको कौन नहीं पसंद करता है ये बताइए। कहते हैं त्रिभुवन कमलम तमाल वरणम रविकर गौरवरम वरम दधाने वपुरर ककुलावृतानाब्जम विजय सखे रतिरास्तु में नवद्या। प्रभु आपको कौन नहीं पसंद करता है, कौन नहीं पसंद करेगा, पूरा त्रिभुवन कमनम, इस त्रिभुवन में केवल तीन लोक की बात नहीं हो रही है, 14 भुवन की बात हो रही है, पूरे त्रिभुवन में प्रभु आपको कौन नहीं पसंद करता है, सारे जीव त्रिभुवन के पसंद करते हैं आपको प्रभु, इसमें कोई दुराय नहीं है कि आपको लोग पसंद नहीं करते, पूरा त्रिभुवन में आपको पसंद करते हैं प्रभु,
तो मानो कृष्ण पूछते हैं, भीष्म पितामह जब कहते हैं कि आपको त्रिभुवन में हर एक लोग व्यक्ति पसंद करता है, हर एक व्यक्ति आपको प्राप्त करने के कामना करता है, तो मानो कृष्ण कहे ये तो सरासर गलत है। मैं देख रहा हूं त्रिभुवन में कितने ऐसे सारे लोग हैं जो कि मुझे खुद भगवान बनना चाहते हैं, मुझे तो प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। इसी संसार का देख लो कितने हैं, कई लोग, कितने सारे लोग हैं जो कि नहीं मानते हैं। लेकिन पितामह भीष्म जो ये त्रिभुवन गमन की बात कहे हैं ना, वास्तव में इस त्रिभुवन में हरेक जीवात्मा कृष्ण से प्रेम करता है। कैसे? प्रत्यक्ष रूप से करे या अप्रत्यक्ष रूप से करे, लेकिन प्रेम तो भगवान से ही करता है वो। प्रेम तो भगवान से ही करता है। जैसे एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, चाहे प्रेमी और प्रेमिका हो, चाहे पति और पत्नी हो, चाहे कोई व्यक्ति किसी से कितना मान लो प्रेम करता हो, चाहे जैसे कि पति है पत्नी से बहुत प्रेम करता है या पत्नी पति से पूरा बहुत प्रेम करती है, पत्नी है पति से बहुत प्रेम करती है, लेकिन मान लो उस पति का मृत्यु हो जाता है, उस पति का मृत्यु जब हो जाता है तो पत्नी रोने लगती है। मृत्यु मतलब क्या? अंदर से आत्मा और परमात्मा निकल गए। तो मानो बहुत प्रेम करते थे और उस स्त्री को बोला जाए कि क्यों रो रही हो तुम, तो यही बोलेगी कि मेरे पति आज मुझे छोड़कर चले गए। लेकिन मैं कहूं कि कहां छोड़कर गए, तो पड़े कपड़े इधर दिख रहे हैं, कहां छोड़कर चले गए, सामने दिख रहे हैं तुम्हारे, रो क्यों रही है? जिससे तुम प्रेम करती थी वो तुम्हारे सामने लेटा हुआ पड़ा है, उसको रख लो बेडरूम के अंदर और उसको सजा के रख दो कांच के अंदर। तुम अगर इससे प्रेम करते थे तो उसको रख दो। सोचिए मरने के बाद जिससे हम इतना प्रेम करते हैं उसको छूना तक पसंद नहीं करते हैं, छूने के बाद नहाते हैं और उसको जल्दी से घर से बाहर निकालकर उसको जलाना चाहते हैं। विचार करिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि प्रेम किससे कर रही थी, क्या चीज था उसमें निकल गया, किससे प्रेम कर रही थी वो पत्नी? इस बॉडी से कर रही थी? नहीं, उसके अंदर भगवान जो थे ना वो निकल गए, वो आत्मा जो था आत्मा के साथ परमात्मा, परमात्मा के साथ आत्मा निकल गए बाहर। तो भीष्म पितामह बोलते प्रभु प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो, इस संसार के स्त्रीभुवन तो सारे लोग आपको पसंद करते हैं, प्रभु सारे लोग पसंद करते हैं, सब लोग चाहते हैं आपको त्रिभुवन गमन। कौन नहीं चाहेगा प्रभु आपके, आपकी ऐसी सुंदरता है आपको कौन नहीं चाहेगा, कौन नहीं चाहेगा प्रभु? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्ण, आपका जो रूप है ना वो तमाल वर्ण के समान है प्रभु, तमाल वृक्ष की तरह श्याम वर्ण का आपका रूप है, बड़ा सुंदर रूप है प्रभु, कौन नहीं पसंद करेगा आपको? त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर, रवि मतलब सूर्य, कर मतलब किरण। प्रभु आपकी सुंदरता की क्या बात करें, जब ये सूर्य का जो प्रकाश है ना, जो किरण है रवि कर, जो सूर्य का जो प्रकाश किरण है जब आपके ऊपर पड़ता है ना, आपका ये पीताम्बर है ना प्रभु, पीताम्बर, ये पीताम्बर के ऊपर जब ये सूर्य का किरण पड़ता है तो सुंदर रूप से चमचमाता है प्रभु, आपकी सुंदरता तो और बढ़ जाती है उस समय। आपके जैसा सुंदर प्रभु इस संसार में त्रिभुवन में और कोई नहीं है प्रभु। गौर रामवरम त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरम रामवरम, सुनहरा रंग है चमचमाते हुए ऐसे कृष्ण, ऐसे प्रभु कृष्ण आप जो कि त्रिभुवन को पावन करने वाले और त्रिभुवन के सारे लोग आपको पसंद करते हैं, आपको प्राप्त करने की कामना करना चाहते हैं, प्रभु ऐसे कृष्ण ऐसे आप में मेरी ये रति है, ये मति है जो वो आप में लग जाए, मैं इस कन्या को आपके साथ देना चाहता हूं प्रभु।
सुंदरता का वर्णन करते हुए पितामह भीष्म युधि तुरगरज विदुग्न विश्व कचुलित श्रम वार्य लंकृताश्च युधि तुरगरज विदुग्न विश्व कचुलित श्रम वार्य लंकृताश्च मम निशित सरे विवेद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म कि प्रभु आपका जो वर्ण है बहुत ही सुंदर है। क्या सुंदरता था प्रभु उस महाभारत के युद्ध में, आपकी सुंदरता क्या सुंदरता था, उस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं इसमें भीष्म पितामह। प्रभु जब आप अर्जुन की रक्षा करने के लिए, अर्जुन की जब रक्षा करने के लिए आप जब उस रथ को लेकर आप भगाते थे, बहुत तेज गति से आप दौड़ाते थे, वर्णन है कि जब ये अर्जुन संकट में पड़ता था उस समय भगवान कृष्ण रथ को इतनी तेज हाँकते थे कि वो रथ ना ये पंखे की तरह दिखता था, पता ही नहीं चलता था, इतना तेज गति से हाँकते थे। उस दृश्य को याद करते हुए भीष्म पितामह इस स्तुति में कह रहे हैं कि प्रभु वो सुंदरता में आपका देखा उस समय जब ही आप अर्जुन के रथ को हाँक रहे थे ना, इतना तेज गति से जब रथ को हाँकते थे आप ना, तो घोड़ों के द्वारा उनके पैरों से धूल उड़ता था प्रभु, और जब धूल उड़ता था तो वो धूल आपके शरीर के ऊपर जाता था, तो वो धूल जब आपके शरीर के ऊपर जाता था तो आप देखने में और भी सुंदर लगते थे, और आपके जो घुंघराले बाल है ना, भगवान के बहुत सुंदर घुंघराले बाल है, वो ऐसे घुंघराले नहीं हो अफ्रीका वेस्ट इंडीज वालों की तरह ऐसा वाला घुंघराले नहीं जिसमें मच्छर भी फंस जाए तो अफसोस करे कहां आके फंसा। बहुत सुंदर घुंघराले बाल, जन्म के समय सुखदेव गोसाई इस घुंघराले बाल का वर्णन करते हैं, जन्म जब हुआ ना भगवान कृष्ण का, सुंदरता का वर्णन करते हुए इस घुंघराले बाल का वर्णन किया, इसलिए मेरा नहीं है। सुंदर घुंघराले बाल है प्रभु, और वो घुंघराले बाल भी ना जब आप रथ को हाँकते थे तेज गति से तो बाल जो है ना कभी कभी आपका बाल का लट है ना वो नीचे आ जाता था, इधर आ जाता था, और जब आप उसको ऊपर करने के लिए ऐसे करते थे तो प्रभु क्या सुंदर दिखते थे। देखिए ना इस संसार में ये फैशन बना हुआ है, मैं सोचा है फैशन कहा पड़ा तो पता चला यहाँ से फैशन आया हुआ है, कॉलेज की लड़कियां लड़के इत्यादि ऐसा बाल रखते कि बार बार ऐसा 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 करते रहते हैं। ये फैशन उधर से आया। भीष्म पितामह बता रहे कि वो जो घुंघराले बाल जब आपके मुख पे आता था प्रभु, जब आप उसको ऊपर करते थे ना, क्या सुंदर दिखते थे प्रभु। एक बार मैं जयपुर में, घटना याद आ गया, एक बार जयपुर में मैं अभी कुछ शायद साल पहले जयपुर मंदिर का इनोग्रेशन हुआ, तो इनोग्रेशन में मुझे प्रसादम क्या सेवा मिला था कि प्रसादम का मैनेजमेंट आपको करना है, तो मैं वहां पे 10 दिनों से पहले से वहां पे मैं पहुंचा था, तो कुछ यूथ लड़के तो 2-4 दिन सेवा करते करते, क्योंकि यूथ को मुझे दिया गया था, वहां के जितने भी यूथ हैं मुझको दिया गया था, तो हम रोज सेवा भी करते थे और बहुत सारी बातें को विचार विमर्श भी करते थे, तो उस समय एक यूथ लड़का अभी अभी उसका शादी हो गया था, बोला कि प्रभु जी क्या बताऊं, शादी हो गया अभी, बड़ा दुखी हुआ, इससे अच्छा मैं जब यूथ था ना उनको ब्रह्मचारी बन जाना चाहिए था, बाद में मैंने कहां से शादी कर लिया, फंस गया। मैं बोला कि अभी अभी तुम शादी किया और इतना पैरा अभी भी तुम्हारा शादी हुआ, तो बोला प्रभु क्या बताऊं मैं, बोला अगर समस्या इतना जानता था तो शादी ही क्यों किया, तो बोला प्रभु जी क्या बताऊं मैं आपको, जब मैं उसको देखा था ना पहली बार
तो उसके लक पे मैं फिदा हो गया था। उसके जो लट था ना उसके ऊपर मैं फिदा हो गया था। बोलिए, मैं इतना ही बोला कि जब तुमको लट अच्छा लगा तो लट काट के आ जाता, पूरा गोडाउन क्यों उठा के लाया। लेकिन अभी ला दिया तो अभी तो भोगना पड़ेगा ना, अभी ला दिया तो भोगना पड़ेगा। विष्णु पितामह इसी बात को कह रहे हैं कि प्रभु जब आप तेज गति से रथ हांकते थे ना उस अर्जुन को बचाने के लिए, तो आपके जो घुंघराले बाल है ना जब आगे आते थे आपके मुख पे ना, जब आप उसको ऊपर करते थे तो प्रभु क्या सुंदर दिखते थे प्रभु। और इतना ही नहीं प्रभु, जब उस घोड़ों के तेज दौड़ने से ये जो धूल उड़ता था ना प्रभु आपके ऊपर जाता था, और आपके ऊपर जाने से और उसके बाद जब आपको पसीने निकलते थे प्रभु, और वो पसीने उस धूल के ऊपर से जब गिरते थे ना एकदम हीरे के समान चमकते थे प्रभु, और उस समय तो आप और सुंदर लगते थे प्रभु, और सुंदर लगते थे। आपने कभी कोई देखा है आटा मिल में गए होंगे कभी, जहां पे गेहूं पिसता है, वो गेहूं पिसते 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 पूरा पूरा व्हाइट हो जाता है। एकदम वैसा ही अब इमेजिन करिए, एकदम उस गेहूं पीसने वाले चक्की पीसने वाले व्यक्ति की तरह धूल, क्योंकि इतना तेज गति से, थोड़ी ना पक्का फर्श था, ग्राउंड था, और इतना तेज गति से दौड़ाते थे जब रथ को कृष्ण, उस समय कितना धूल उड़ता था, और वो धूल जो है ना पूरा शरीर के ऊपर बैठता था, और उसी का वर्णन कर रहे इस स्तुति में पितामह भीष्म कि जब वो धूल आपके ऊपर बैठता था प्रभु, और आपके पसीने जब निकलते थे ना वो मणि के समान चमकते थे प्रभु, क्या सुंदरता था प्रभु। ये सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं पितामह भीष्म, क्या सुंदर था प्रभु, बहुत सुंदर लग रहे थे प्रभु आप, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इस प्रकार भीष्म पितामह सुंदर तरीके से स्तुति कर रहे हैं कि प्रभु वो जो सुंदरता है ना जिसका वर्णन अभी भीष्म पितामह कर रहे हैं, आगे के स्तुति में करते हैं, हम गाते नहीं हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके हम आगे बढ़ते हैं। पितामह भीष्म उस सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं युद्ध क्षेत्र, महाभारत के युद्ध कहे जो भगवान की सुंदरता है कि प्रभु आप कितने सुंदर लग रहे थे। और ये सुंदरता ना कोई और नहीं देखा प्रभु जी, मैंने देखा, मैं देखा इस सुंदरता को, क्यों, क्योंकि मैं इसी सुंदरता को देखने के लिए तो मैं कौरवों के पक्ष में था प्रभु, इसी सुंदरता को देखने के लिए मैं कौरवों के पक्ष में गया। पूछिए अर्जुन को, वो आपके पीठ के अलावा क्या देखा आपका, वो अर्जुन को भी वो सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, ये सुंदरता जो सुंदरता देखने के लिए मुझे प्राप्त हुआ वो अर्जुन भी आपके पीठ पीछे बैठा हुआ था, लेकिन आप जो सुंदर थे इसी सुंदरता को तो देखने के लिए मैं कौरव के पक्ष में था, क्योंकि ये सुंदरता उस पक्ष में रख के ही मुझे देखने के लिए मिलेगी प्रभु। पितामह भीष्म सुंदर स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर भगवान के सारी लीलाओं को याद करते करते आप उन स्तुतियों को पढ़िएगा, लगभग 11 और 12 श्लोक में है, 11 श्लोकों में है, सुंदर स्तुति करते हैं पितामह भीष्म। इस प्रकार से भगवान का स्तुति करते करते पितामह भीष्म अपनी नजर को भगवान के को देखने में अपनी दृष्टि को वहां पे स्थित कर दिया, और भगवान के अपने मन को भगवान के चरण में लगा दिया, अपने मति को भगवान को पूर्ण रूप से सौंप दिया पितामह भीष्म। और ऐसा करते हुए उस समय माघ महीना अष्टमी की तिथि पे पितामह भीष्म ने अपने शरीर को त्याग दिया, शरीर को त्याग दिया। सोचिए कैसी मृत्यु, कैसी मृत्यु। जब ही चेतन महाप्रभु जब इस तरह धाम पे अपनी लीला को संपन्न कर रहे थे, उस समय जब हरिदास की हरिदास ठाकुर का जो मृत्यु हुआ था ना, उस समय सब लोगों ने यही बोला कि हरिदास को भीष्म की जैसा मृत्यु प्राप्त हुआ,
भीष्म जी के जैसा प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि हरिदास प्रभु को सामने रखते हुए, सामने रखते हुए जीवन में हरिदास चैतन्य महाप्रभु से कुछ नहीं मांगा था, कुछ नहीं मांगा था। अंत समय में हरिदास ठाकुर ने एक ही चीज मांगा कि प्रभु जब मेरी मृत्यु हो, मैं जब अपने शरीर को त्याग करूं, आप मेरे सामने खड़े रहिएगा, सामने खड़े रहिएगा। यही मोर इच्छा छाड़ी वे प्राणी, जिहुआ उच्चारिवे श्री कृष्ण चैतन्य नाम, और यही मत मोर इच्छा छाड़ी वे प्राण। हरिदास ठाकुर यही प्रार्थना करते हैं, उस समय याद करते हैं कि हरिदास ठाकुर को ना पितामह भीष्म के जैसा मृत्यु प्राप्त हुआ, मृत्यु प्राप्त हुआ। उस समय सूद गोस्वामी वर्णन करते हैं कि पितामह भीष्म कृष्ण एवं भगवती मनोवाक दृष्ट वृत्त भी आत्मन्यात्मनावेश्य स्वंत श्वास उपार। सूद गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण एवं भगवती, भगवान कृष्ण को सामने रखते हुए, उनको देखते हुए पितामह भीष्म मनोवाक दृष्ट वृत्त भी अपने मन को, अपने वाणी को और अपने आंख को भगवान में स्थापित कर दिया। मन, वाणी और दृष्टि को भगवान कृष्ण में लीन करते हुए शांत हो गए, छोड़ दिया अपने शरीर को। ये जो मैं श्लोक बोला ना, इस श्लोक के तात्पर्य को आप लोग जाके पढ़िएगा, प्रभुपाद जी का बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं, हृदय को स्पर्श करने वाला तात्पर्य है, बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं। मैं एज इट इज उस तात्पर्य को संक्षेप में पढ़ता हूं, बहुत लंबा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मैं केवल पढ़ रहा हूं प्रभुपाद जी के जो वाक्य है ना, उस तात्पर्य में उसको पढ़ रहा हूं कि निश्चित रूप से ये जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। मैं बीच में से पढ़ रहा हूं, जीवन की सर्वोच्च अवस्था यही है कि कृष्ण को सामने रखते हुए, कृष्ण में मन को लगाते हुए अपने प्राण को त्यागा जाए। और कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस करने वाले जो लोग हैं, भगवान की भक्ति करने वाले, नौ सिद्धांत है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, इसका अनुवाद लिखते हैं प्रभुपाद जी, ये नौ चीजें हैं भक्ति करने के लिए, और इनमें से एक या सभी वांछित फल को देने वाले हैं। एक भी करे तो भी वांछित फल को देते हैं, अपने आप में पूर्ण है हर एक भक्ति के अंदर। लेकिन किसी दक्ष भगवत भक्त के पद प्रदर्शन में ही इसका निरंतर अभ्यास करना चाहिए, भक्तों के अनुगत में इसका अभ्यास करना चाहिए, अन्यथा एक फलीभूत नहीं होगा। और प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें से प्रथम चरण श्रवण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसी अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई भक्त अंत में भीष्म देव के जैसा शरीर को त्याग करना चाहता है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, एकदम एज इट इज वर्ड पढ़ता हूं, अतएव जो व्यक्ति अंत में भीष्म देव जैसा अवस्था प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए भगवत गीता का और फिर भागवत का श्रवण करना परम आवश्यक है। अगर ये दो चीज नहीं कर रहे जीवन में, तो ऐसी मृत्यु कभी भी प्राप्त नहीं होगी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अंत में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, वे भगवान के शब्द अवतार है, ये शब्द अवतार है भगवान के। देखिए विचार बहुत ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये शब्द अवतार, और कोई भी मनुष्य आठ वसुओं में से एक श्री भीष्म देव जैसी अवस्था प्राप्त करके इनका लाभ उठाना चाहता है, तो प्रत्येक मनुष्य या पशु को एक निश्चित आयु में मरना होता है, लेकिन जो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मरना चाहता है वह
पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो प्रकृति के नियमों से बाध्य होकर मरता है वो पशु की तरह मरता है। मैं थोड़ा आगे निकल गया। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भीष्म पितामह के जैसा मृत्यु प्राप्त करना चाहता है तो उसको गीता और भागवत को श्रवण करना चाहिए। हालांकि भगवान अभी भीष्म पितामह के सीन में क्या था, भगवान सामने है, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हालांकि भगवान भले से उपस्थित ना हो, लिखते हैं प्रभुपाद जी, भले साक्षात भगवान उपस्थित ना हो लेकिन अगर गीता और भागवत का श्रवण करेंगे तो ये भगवान के शब्द अवतार है और निश्चित रूप से वो व्यक्ति भीष्म देव की तरह मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। ये प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्य में। तो इस प्रकार पितामह भीष्म जो कि अपने शरीर को त्याग किए, तो जैसा कि मैं पहले बताया कि जब ये सुनने के लिए आ रहे थे युधिष्ठिर महाराज सब लोग पितामह भीष्म को, तो उस समय अंत्येष्टि क्रिया की सारी सामग्री को लेके आए थे और तत्पश्चात पितामह भीष्म जब शरीर को त्यागे तो आकाश से पुष्प की वर्षा हुई और उस समय पितामह भीष्म के अंत्येष्टि क्रिया को किया गया और उनके जो अस्थि को गंगा जी में जब विसर्जित किया गया, तो जैसे ही अस्थि को गंगा जी में विसर्जित किया गया तुरंत ही माता गंगा, क्योंकि आज उनका पुत्र उनके पास वापस आ गया, माता गंगा जैसे ही वो अस्थि स्पर्श की गंगा में, तुरंत ही माता गंगा प्रकट हो गई, वहां पे प्रकट हो गई पुत्र के स्नेह और पुत्र को अपने पास वापस देखते हुए माता तुरंत प्रकट हुई। वर्णन है कि वहां पे माता गंगा ने बहुत सुंदर सा उपदेश दिया इस पांडवों को, जो लोग भी उस अंत्येष्टि क्रिया में गए हुए थे, सुंदर उपदेश दिया। तो इस प्रकार पितामह भीष्म देव जो कि बहुत सुंदर स्तुति है पितामह भीष्म का, बहुत सुंदर सुंदर बातों को पितामह भीष्म बताते हैं, तो हम यहीं पे पितामह भीष्म की जो स्तुति को है विराम करते हैं और भागवत के इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रथम स्कंद आज पांचवा दिन है, लेकिन चिंता मत करिए, मैं कुछ प्लान बनाया हूं पूर्णावती का, कुछ प्लान किया हूं मैं कि कैसे पूरा किया जाए, वो कुछ रूप में आज आपको दिख जाएगा। तो समय करे क्या करे। तो हम प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। भगवान कृष्ण ने देखा, अभी तो कुंती महारानी की स्तुति से रुक गए थे, फिर ये सारे क्रियाकलाप और करना ही था, भीष्म पितामह को भी भेजना था, भगवान रुक गए। लेकिन भगवान ने देखा कि अभी बहुत हो गया, बस अब मैं निकलूंगा, बहुत अब नहीं रुकूंगा किसी की प्रार्थना से। भगवान पूर्ण प्लान बना लिया और हस्तिनापुर से भगवान निकल पड़े द्वारका के लिए। बहुत दिन हो गया था ना हस्तिनापुर में रहते हुए, बहुत दिन हो गया था, वहां पे इतनी सारी पंडरानियां बिटारी वेट कर रही है। भगवान निकले द्वारिका के लिए, प्रस्थान कर गए। उसके बाद इधर पांडवों का राज्य सुंदर से चलने लगा, युधिष्ठिर का मोह दूर हो गया, सुंदर राज्य चलाने लगे। कृष्ण का भी लीला समाप्त करके जाने का समय आ गया। भगवान कृष्ण ने अपने इस धराधाम के लीला को टोटल 128 साल भगवान कृष्ण इस धराधाम पे रहे और 128 साल रहे, मतलब ऐसा नहीं समझने का कि बूढ़े हो गए थे
आजकल के 60 साल के पहले बूढ़े हो जाते हैं। जिस समय भगवान कृष्ण अर्जुन के हाथ को हाक रहे थे ना, उस समय 101 साल के थे, यंग थे एकदम, यंग थे एकदम, 16 साल, भगवान कभी बूढ़े नहीं होते हैं। और 128 साल तक रहे तो भी जैसे शुरुआत में थे वैसे ही, 128 साल में भी वैसे ही रहे, ऐसा नहीं कि बूढ़े हो गए। भगवान ने लीला समाप्त किया और गए अपने धराधाम को वापस। और एक खबर, खबर लेने के लिए अर्जुन को जब विदुषी महाराज ने भेजा, विदुषी महाराज ने कृष्ण का खबर लेने के लिए भेजा, तो अर्जुन खबर लेने के लिए तो पहुंचा, लेकिन पता चला कि भगवान कृष्ण चले गए। उसके बीच में बहुत कुछ घटित हुआ है, वो नहीं करेंगे, अभी थोड़ा अवतार में जाते हैं। वापस आए अर्जुन बहुत दुखी होकर, युधिष्ठिर महाराज को बोले कि भगवान कृष्ण, भगवान अभी चले गए। तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने, जब भगवान चले गए तुरंत ही युधिष्ठिर महाराज ने अपने राजपाट को त्यागने का निर्णय ले लिया। तुरंत ही कुल गुरु कृपाचार्य को बुलाया और उत्तरा के गर्भ से जो पुत्र प्राप्त हुआ था परीक्षित, परीक्षित, उसको राज्य सिंहासन में बैठाया, राज्याभिषेक किया और तुरंत ही परीक्षित का विवाह भी संपन्न कराया। राजा उत्तर की कन्या इरावती के साथ परीक्षित महाराज का विवाह भी हुआ और राज्याभिषेक करके राज्य में बैठाकर तुरंत ही प्याचो पांडव तुरंत निकल पड़े हरिद्वार, हरिद्वार से हिमालय और वहां से स्वर्गारोहण भगवान के धाम में चले गए। पांडव चले गए, अभी किसका राज आ गया? परीक्षित महाराज का। परीक्षित महाराज का राज आया। सूत गोस्वामी वर्णन करते हैं कि परीक्षित एक ऐसा राजा था, इतना प्रतापी राजा था और भगवान का अनन्य भक्त था, जिसको भगवान ने गर्भ में उसकी रक्षा किया। सोचिए ऐसे परीक्षित, जिसको दर्शन भगवान ने गर्भ में दे दिया, ऐसा परीक्षित प्रतापी राजा निकला। इतना प्रजा प्रसन्न थी उसके राज्य में, उसका वर्णन सुखदेव गोस्वामी पाद, सूत गोस्वामी पाद उसका वर्णन करते हैं भागवतम में। पूरी प्रजा सुखी थी, कभी कोई दुखी नहीं रहता था, परम प्रसन्न रहते थे परीक्षित महाराज के राज्य में सब लोग। लेकिन एक दिन की घटना, राजा परीक्षित शिकार खरीदने के लिए जंगल में निकल पड़े। जंगल में जब परीक्षित महाराज गए उस समय उनको प्यास लगा, परीक्षित महाराज को प्यास लगा और प्यास पानी को ढूंढते ढूंढते वो एक ऋषि, जिस ऋषि का नाम है समीक ऋषि, समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। उस समय समीक ऋषि अपने योग निद्रा में, ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे हुए थे। परीक्षित महाराज को प्यास लगा हुआ था लेकिन ऋषि ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। परीक्षित ने देखा कलयुग का प्रारंभ है, कलयुग का प्रारंभ होने जा रहा है, ये ध्यान है, ध्यान में बैठना है सब, ये क्या है, शायद नाटक हो सकता है, मुझे कहीं अवॉइड तो नहीं कर रहा है ऋषि। परीक्षित महाराज ने परीक्षा लेने के लिए कि ये सच में भगवान का ध्यान कर रहा है क्या, परीक्षा लेने के लिए तुरंत ही वहां पर एक मरा हुआ सर्प था, जिंदा नहीं है, मरा हुआ सर्प था, ऋषि के गले में डाल दिया। परीक्षा लेने के लिए ऋषि के गले में डाला समीक ऋषि के, लेकिन समीक ऋषि का बिल्कुल भी ध्यान साधना टूटा नहीं, बिल्कुल नहीं ध्यान साधना टूटा, और उनको पता ही नहीं चला क्योंकि वो पूर्ण रूप से समाधि में बैठे हुए थे, पता ही नहीं चला। परीक्षित महाराज को एक कंफर्म हो गया कि ऋषि सच में ध्यान कर रहा है, ये कंफर्म हो गया। तुरंत ही वहां पे कमंडलों में पानी पड़ा था, परीक्षित महाराज ने पिया पानी को, प्यास बुझाया और अपने राज्य को निकल पड़े। लेकिन हुआ क्यों, परीक्षित महाराज अपने राज्य को निकले उसी समय किसी ने बताया, समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को किसी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी के गले में कोई सांप डाल दिया। आधा ज्ञान प्राप्त हुआ उसको, बोलना चाहिए था ना मरा हुआ सांप, लेकिन लोग तो बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। इसलिए कभी भी कोई कुछ बोलता है ना, हमेशा एक पक्ष, कोई कुछ किसी के बारे में बोलता है ना, केवल उसकी बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए, वो दूसरे वाले पक्ष से पहले पूछना चाहिए। हम क्या करते हैं, तुरंत विश्वास करके उसके बारे में कुछ कमेंट कर देते हैं,
तुरंत कुछ बोल देते हैं, तुरंत बोलते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो यही स्थिति देखिए होगा जो होने जा रहा है अभी। श्रृंगी ऋषि को बोला कि तुम्हारे पिता के गले में कोई सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि ने ये केवल सुनने मात्र से मेरे पिताजी का कौन अपमान किया, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे डाला कि मेरे पिता के गले में जो भी सर्प डाला है आज से सातवें दिन उस व्यक्ति को तक्षक सर्प आएगा और उसको डसेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगा। श्राप दे चला, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया। श्राप दिया, श्रृंगी ऋषि अपने पिताजी के पास आए। पिताजी तो अपनी योग साधना से उठकर अपना कार्य में लगे थे, उनको तो कुछ लेना देना था ही नहीं, कौन सर्प डाला क्या डाला कुछ नहीं पता। लेकिन जब यह समीक ऋषि को यह पता चला कि मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया, जो भी मेरे गले में सर्प डाला था मरा हुआ, समीक ऋषि श्रृंगी ऋषि को बाद में पता चला कि यह मरा हुआ सर्प था, लेकिन जो उसने दे दिया श्राप, देखा भी नहीं, सोचा भी नहीं, पूछा भी नहीं कौन क्या किया, श्राप दे दिया। समीक ऋषि मेरा पुत्र किसी को श्राप दिया है करके तुरंत ही अपने योग साधना में जाकर ध्यान कर उन्होंने देखा कि श्राप दिया किसको इसने, तो देखा कि राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। समीक ऋषि बहुत दुखी हो गए और समीक ऋषि ने देख लिया अब कलयुग इधर आ जाएगा, क्योंकि जब तक परीक्षित इस चक्रवर्ती सम्राट थे तब तक कलयुग का प्रभाव हो ही नहीं सकता था, कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था जब तक परीक्षित महाराज अगर राज्य करते तो। लेकिन मेरा बेटा ने घोर अपराध कर दिया, घोर अपराध कर दिया। तुरंत ही समीक ऋषि अपने शिष्य गौर मुख मुनि को बुलाए। समीक ऋषि ने अपने शिष्य गौर मुख मुनि को बुलाए और उन्हें बोला कि बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, मेरे पुत्र ने परीक्षित महाराज को श्राप दे दिया, आज से सातवें दिन उस राजा की मृत्यु हो जाएगी, हम राज्य विहीन, राजा के विहीन हो जाएंगे, कौन पालन करेगा, इतना सुंदर राजा, इतना महान भक्त भगवान का, उसकी मृत्यु सात दिन में हो जाएगी। तुरंत अपने शिष्य गौरमुखी को, ऋषि को, जैसे ये बात को समीक ऋषि ने बताया और भेज दिया अपने शिष्य गौरमुख मुनि को कि जाओ परीक्षित को इन्फॉर्म करो कि सात दिन में उसकी मृत्यु होने वाली है, इन्फॉर्म कर दो। तुरंत गौरमुख मुनि गए और गौरमुख मुनि गए और उसी समय परीक्षित महाराज भी अपने राज्य में पहुंच रहे थे, शिकार खेल के उसी समय परीक्षित महाराज भी पहुंच रहे थे और पीछे से गौरमुख मुनि भी आ गए, राज्य में प्रवेश ये किए परीक्षित महाराज। उसी समय गौरमुख मुनि ने बोला कि प्रभु हे राजन, आज से सातवें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, विचार करिए, सातवें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, आप अपने मृत्यु से बचने का उपाय कर लीजिए प्रभु, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने, श्रृंगी ने आपको श्राप दे दिया। प्रभु पूरी घटना का वर्णन कर देते हैं और जैसे ही इस घटना का वर्णन सुनते हैं परीक्षित महाराज, तुरंत ही परीक्षित महाराज अपने बचने का, मृत्यु से बचने का उपाय नहीं किए, मृत्यु को कैसे सवारा जाए इसका उपाय ढूंढने लगे। हालांकि सक्षम थे उस श्राप को हटाने के लिए, परीक्षित महाराज के पास इतना प्रताप तो था, उस श्राप से बच सकते थे परीक्षित महाराज, बच सकते थे, इतना उनके पास शक्ति था, लेकिन फिर भी वो बचने का प्रयास नहीं किए। तुरंत उन्होंने निर्णय लिया, इस निर्णय को ध्यान से सुनिए, परीक्षित महाराज ने क्या निर्णय लिया। परीक्षित महाराज ने तुरंत निर्णय लिया कि मैं घर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा, घर के अंदर अभी मैं नहीं प्रवेश करूंगा, घर में नहीं मरूंगा मैं। ये पहला निर्णय था परीक्षित महाराज का कि मैं घर में नहीं मरूंगा और घर को तुरंत छोड़ दिया। अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक करते हुए तुरंत परीक्षित महाराज अपने घर का त्याग करके उसी समय उसी क्षण निकल पड़े हरिद्वार के तट पे।
पहुंच गए परीक्षित महाराज गंगा के तट पे पहुंचे। उस समय स्नान किया गंगा में, उन्होंने संकल्प किया, संकल्प यह किया कि आज से सातवें दिन मेरी मृत्यु होने वाली है। संकल्प किया कि आज से मैं ना तो पानी ग्रहण करूंगा ना तो अन्न को ग्रहण करूंगा। ये संकल्प लिया गंगा में स्नान करके परीक्षित महाराज ने संकल्प लिया, आमरण उपवास करना शुरू कर दिया परीक्षित महाराज। और गंगा में स्नान करने के पश्चात, आमरण उपवास का संकल्प लेने के पश्चात, उन्होंने अनेक लोगों से मिले और अनेक लोगों ने उनको बहुत सारे उपाय बताए, क्योंकि परीक्षित महाराज पूछ रहे थे मेरा सात दिन में मेरे मृत्यु होने वाला, क्या करना चाहिए। अलग अलग लोगों ने, मुंडे मुंडे गति भिन्ना, सब लोगों ने अलग अलग अपना उपाय बताया। किसी ने बोला कि दान करो, किसी ने बोला पुण्य करो, लेकिन परीक्षित महाराज को सब मालूम था, छीड़े पुण्य मर्त लो के भी संति। जब ये दान पुण्य सब छीड़ होता है ना, फिर से इस मर्तलोक में आ जाते हैं। ये सब दान पुण्य जो सबका फल है ना, सब वापस हमको ला देता है। ये मृत्यु का बचने के लिए ये सुगम उपाय नहीं है, अच्छा उपाय नहीं है, क्योंकि दान पुण्य करने के बाद हमको जो फल प्राप्त होता है ना, वो फल भी एक बंधन है, एक बंधन है। उस दिन आप लोग ने गीता कोर्स में सुन रहे थे ना, पुण्य का जो फल है वो दोनों जंजीर है, एक सोने की जंजीर और एक लोहे की जंजीर, लेकिन है दोनों जंजीर है। परीक्षित महाराज ने विचार करने लगे कि क्या किया जाए। उस समय परीक्षित महाराज ने सोचा, इस संसार में सबसे बड़ा कार्य अगर है कोई तो भगवान की कथा सुनना, गायत्र विष्णु गाथा, भगवान विष्णु का गायन करना, उनकी कथाओं का श्रवण करना, ये सबसे बड़ा कार्य है। परीक्षित महाराज ने ये विचार किया, इस कथा से, भगवान की कथा से, कथा समानां भूमिनां न किंचित, इस कथा से बढ़कर इस संसार में और कोई बढ़कर कोई चीज है नहीं, इस कथा से, इस भागवत से बढ़कर और इस संसार में कोई भी चीज नहीं है। तो बाद में मैं भूल जाऊं, छह प्रश्नों का जो शुरुआत था भागवत का, उसमें से एक प्रश्न था, भगवान के जाने के बाद धर्म ने किसका शरण लिया, तो धर्म ने भागवत की शरण लिया। आज परीक्षित महाराज भागवत की शरण लेने जा रहे हैं। परीक्षित महाराज ने देखा, सोचा कि इस भागवत से बढ़कर इस संसार में और कोई साधन नहीं है, और कोई साधन नहीं है, भागवत से बढ़कर कोई साधन नहीं है। बहुत बड़ा विज्ञान है भक्तों, ऐसा लग रहा है कि आपने हमको बुलाया या किसी ने बुलाया और मैं यहां पे आ गया, ऐसा नहीं। एक योग होता है, एक योग होता है, और उस योग के अनुसार ही कार्य होता है। किसी के अंदर प्रेरणा देना, फिर उससे किसी को एक करना, सारा योग है। मेरे में ऐसा कोई ताकत नहीं है, या मैं चाहा ऐसा इधर आ गया, ऐसा नहीं है। ये होना था, ये योग था, ये समागम होना था, इसलिए हुआ। तो भागवत से बढ़कर कोई भी साधन नहीं है। सारे जगत में फैल गया कि परीक्षित महाराज ने प्लान किया है, विचार किया है कि भागवत को सुनने जा रहे हैं, तो वर्णन है कि सशिष्य सारे ऋषिगण, सारे लोग, सब लोग आने लगे कथा का श्रवण करने के लिए। नो इन्विटेशन, मैं कल बता रहा था, नो इन्विटेशन। जैसे ही पता चला सब लोग आने लगे कथा को श्रवण करने के लिए, सारे ऋषिगण उपस्थित हो गए, परीक्षित महाराज निश्चिंत हो गए। अब तक परीक्षित महाराज ढूंढ रहे थे कि क्या करना है, अब परीक्षित महाराज निश्चिंत हो गए। देखे कि सारे ऋषिगण यहां पे पहुंच चुके हैं, तो निश्चिंत हो गए, उनका मरने का जो भय था खत्म हो गया। परीक्षित महाराज ने बोला कि प्रभु, सारे ऋषियों को बोला
कि प्रभु अब मैं निश्चिंत हो गया हूं, आप कृपया हमको भागवत का श्रवण कराइए। सारे ऋषिगण में, सारे लोगों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि ये सारे लोग श्रवण करने आए थे, सुनाने नहीं आए थे। सन्नाटा, सन्नाटा छाने लगा। अब क्या हम तो श्रवण करने आए, परीक्षित महाराज हम तो सुनाने के लिए बोल रहे हैं। जैसे ही सन्नाटा छाया, कहते हैं कि अगर शुद्ध इच्छा हो, अंदर हमारे शुद्ध इच्छा है तो हमको शुद्ध गुरु प्राप्त होते हैं, लेकिन अगर शुद्ध इच्छा नहीं है ना, हमको बोकस गुरु प्राप्त होते हैं। बोकस गुरु हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर है, हमको कैसा गुरु चाहिए, हम जो बोले वो करने वाला गुरु चाहिए या गुरु जो बोले वो हम करें, वो हमारी इच्छा। अगर शुद्ध इच्छा है, अगर कोई शुद्ध इच्छा किया कि सच में हमको भगवान की भक्ति करना है, भगवत धाम जाना है, अगर शुद्ध इच्छा किया तो निश्चित रूप से उसको शुद्ध गुरु प्राप्त होते हैं। इसलिए इच्छा शुद्ध होनी चाहिए, निश्चित रूप से शुद्ध गुरु प्राप्त होंगे। जब इस प्रकार की इच्छा हुई कि भागवत का श्रवण करना है, ये शुद्ध इच्छा को देखते हुए कृष्ण ने कृपा किया। जब हमारी शुद्ध इच्छा होती है ना, तो गुरु कृष्ण प्रसादे भय भक्ति लता ब्रीज, कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से कृष्ण मिलते हैं। ये शुद्ध जब इच्छा हुई तो उसी समय भगवान कृष्ण की कृपा हुई, भगवान कृष्ण की कृपा हुई, उसी समय इस धरती पे स्वतंत्र विचरण करने वाले, स्वतंत्र विचरण करने वाले भागवत भास्कर, भागवत प्रधान, भागवत भूषण, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, प्रातः आदरणीय महाभागवत सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो गया। वहां पे सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ, शुद्ध इच्छा हुई भागवत श्रवण करने का, तो सुखदेव गोस्वामी प्रकट हो गए। सुखदेव गोस्वामी पाद की जय। सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हो गया, सुखदेव गोस्वामी को सुंदर सा आसन दिया गया, बैठाया गया आसन पे। उस समय परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, देखिए श्राप लगा, एक दिन की बात है, क्या क्या हो गया, उसी दिन ऐसा सारा घटित हो रहा है। उसी दिन सुखदेव गोस्वामी आसन पे बैठे, व्यास आसन पे बैठे सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा, मृगमानस किम कर्तव्यम, प्रभु आप मुझे बताइए कि मरते हुए व्यक्ति जो मरने वाला है, उस व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए। परीक्षित महाराज को टेंशन, चिंता सता रही थी। ये चिंता परीक्षित महाराज को वास्तव नहीं, ये चिंता परीक्षित महाराज हमारे लिए कर रहे थे। परीक्षित महाराज को तो पता था कि 7 दिन में उनकी मृत्यु होने वाली थी, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमारी मृत्यु कब हो जाए, फिर भी हम निश्चिंत बैठे हुए हैं, फिर भी हमको कोई चिंता नहीं है, निश्चिंत है हम। परीक्षित महाराज ने चिंता करके मरते हुए व्यक्ति के लिए क्या कर्तव्य, क्या करना चाहिए प्रभु, आप वो बताइए। उस समय सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन चिंता मत करो राजन। सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की चिंता को दूर करने के लिए एक प्रसंग सुनाया वहां पे, कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 2 घड़ी काफी है राजन, 2 घड़ी काफी है, आपके पास तो 7 दिन है राजन, 7 दिन, चिंता मत करो। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि खटवांग नाम के एक राजा थे, बड़े प्रतापी राजा थे, इतने बड़ा प्रताप था उनका कि उनका स्वर्ग में भी उनका डंका बजता था, स्वर्ग में भी, और बुलाते थे सब लोग स्वर्ग में, जब युद्ध कुछ छिड़ता था तो हेल्प के लिए बुलाते थे उनको। तो राजा खटवांग स्वर्ग में पहुंचे, उस समय इंद्र को उन्होंने मदद किया, इंद्र को मदद करने के पश्चात इंद्र उस युद्ध में जीत गया, और खटवांग ऋषि को बोला कि क्या चाहिए प्रभु बताइए, मैं आपसे प्रसन्न, आपको कुछ वरदान देना चाहता हूं मैं।
कटवांग ऋषि ने बोला कि आप तुम मुझे मुक्ति दे दो। वीरेंद्र ने बोला कि आप ऐसा क्यों मांग रहे हो, जो मेरे पास नहीं मैं वो कैसे दे सकता हूं, मुक्ति मेरे हाथ में नहीं है प्रभु, मुक्ति केवल मुकुंद ही दे सकते हैं, मेरे हाथ में नहीं प्रभु, और कुछ मांगिए। खटवांग ऋषि कहे वो तो मुझे मालूम था कि मैं मुक्ति नहीं दे सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ठीक है अगर तू कुछ देना ही चाहता है ना, मुझे ये बताओ मेरी मृत्यु कब होने वाली है, कुछ देना चाहता तो मुझे बता दो मेरी मृत्यु कब होने वाली है। उस समय इंद्र ने बोला, डर गया इंद्र, क्योंकि उसने देखा कि अभी दो घड़ी में खटवांग महाराज की मृत्यु होने वाली है। खटवांग महाराज ने जैसे ही पूछा कि मेरी मृत्यु कब होने वाली है, इंद्र ने डरते डरते बताया, प्रभु केवल दो घड़ी बाकी है, दो घड़ी बाकी है। खटवांग राजा ने बोला कि तुम एक काम करो, एक घड़ी में मुझे तुम पृथ्वी लोक में छोड़ सकते हो, एक कार्य कर सकते हो। बोला ये कर सकता हूं, तुरंत कर दूंगा। बोला तुरंत मुझे पृथ्वी लोक पे छोड़ो। वर्णन है कि एक घड़ी में इंद्र ने खटवांग राजा को इस पृथ्वी लोक पे छोड़ दिया। बचे हुए एक घड़ी में खटवांग राजा ने भगवान का स्मरण किया और भगवान के धाम को चले गए। परीक्षित तुम्हारे पास तो 7 दिन है, चिंता मत करो, 7 दिन है। सुखदेव गोस्वामी ने बिल्कुल निश्चिंत कर दिया घटो परीक्षित महाराज को, निश्चिंत कर दिया, तुम्हारे पास तो 7 दिन है, तुम चिंता मत करो। और सुखदेव गोस्वामी ने गारंटी दे दिया, 7 दिन तक तुमको मैं कथा सुनाऊंगा और 7वें दिन तुम स्वइच्छा अपने शरीर को त्याग देगा, तब छक क्या आएगा तुमको डसने के लिए, उससे पहले तुमको भेज दूंगा मैं। गारंटी दे दी है सुखदेव गोस्वामी, बात दे दी गारंटी। उसके बाद सुखदेव गोस्वामी कथा करना प्रारंभ किए, सुखदेव गोस्वामी कथा करना प्रारंभ किए और भागवत के सबसे पहले उन्होंने कुछ तत्वों का वर्णन करना प्रारंभ किया। तभी सुखदेव गोस्वामी कथा करना प्रारंभ किए, पहला स्कंद समाप्त, अभी दूसरा स्कंद शुरू। तो मैं यही प्लान किया, देखिए वैसे हम इस्कॉन के भक्त गण इस संपूर्ण भागवत करते नहीं है, सत्यता तो यह है कि संपूर्ण भागवत नहीं करते हैं, हम एक एक प्रसंग को लेकर 7-7 दिन का कथा करते हैं। लेकिन जो लोगों का संसार में विचार धारणा है कि किसी के लिए अगर कर रहे हैं तो 7 दिन का संपूर्ण भागवत का परिपाटी जो बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए मैंने देखा कि ये संबंध तो इस प्रकार से नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत को प्रारंभ करने से पहले भागवत के कुछ तत्वों का वर्णन किया, पहले जिन तत्वों के अंतर्गत पूरी भागवत है, पूरी भागवत जिस तत्वों के अंतर्गत पूरी भागवत है, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भागवत का 10 विषय वस्तु है, भागवत में 10 विषय वस्तु है, 10 तत्वों का वर्णन पूरी भागवत में है, 10 विषय वस्तुओं का वर्णन पूरी भागवत में किया गया है। जैसे गीता में 5 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है, वैसे ही आत्मा परमात्मा प्रकृत काल और कर्म, इन 5 तत्वों का वर्णन गीता में किया गया है। उसी प्रकार तो हम यदि भगवद्गीता का जो सेशन 7 दिन का देखते हैं या 3 दिन का जो भी है, तो हम इसी 5 तत्वों के विषय में चर्चा करते हैं, ओवरव्यू संक्षेप में बता देते हैं तो हो जाता है ओवरव्यू, लेकिन डीप में नहीं जाते हैं। तो मैं भी वही सोचा कि जिस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी ने इन तत्वों का वर्णन किया उसका इस संक्षेप रूप में हम विश्लेषण करके इस भागवत सप्ताह का पूर्णाहुति देंगे। तो भागवत में 10 विषय वस्तुओं का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी कथा को प्रारंभ करते हैं और करते हुए उन्होंने 10 विषय वस्तुओं का वर्णन करते हुए कहते हैं, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण ओतया मनमंतरेशानुकथा निरो
शोधो मुक्ति आश्रय। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण उतय मनवंतर ईशान तथा निरोध मुक्ति आश्रय। अभी थोड़ा से थोड़ा तात्विक चर्चा है, थोड़ा से आप लोग ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा तात्विक चर्चा है, क्योंकि कभी कभी लोग बोलते केवल कथा ही कथा सुनाते रहते, थोड़ा तत्व भी सुनाने का ना, तो थोड़ा तत्व की चर्चा है, थोड़ा ध्यान से और सुनिए। वैसे तो सब ध्यान से ही सुन रहे हैं। तो 10 विषय वस्तुओं का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी पाद। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण उतय मनवंतर ईशान कथा निरोध मुक्ति आश्रय। सर्ग सबसे पहला तत्व जो है वो सर्ग है। सर्ग मतलब भगवान के द्वारा जो सृष्टि किया गया उसको सर्ग कहते हैं। इसका वर्णन किया भागवत में। दूसरा जो तत्व है विसर्ग, विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि उसका वर्णन किया, उसका वर्णन आता है ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि विसर्ग। और तीसरा तत्व जो है स्थानम, स्थानम मतलब भगवान, भगवान और ब्रह्मा के द्वारा जो बनाई हुई जो सृष्टि है ना उसमें कौन सा स्थान कहां है, स्वर्ग लोक किधर है, नरक लोक किधर है, वैकुंठ किधर है, क्या क्या सब सारे स्थान का वर्णन किया गया है जिसको स्थान बोलते हैं, स्थान तत्व, इसका वर्णन किया गया भागवत में। तीसरा तत्व स्थान। चौथा तत्व है पोषण तत्व। पोषण मतलब देखिए शरीर का पोषण करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अन्न देते हैं, भोजन करते हैं। शरीर का पोषण करने के लिए हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं और डाइटिंग वाले तो 5 बार करते हैं, थोड़े थोड़े। तो पोषण तो इस शरीर का पोषण करने के लिए हम उसको भोजन देते हैं, उसी प्रकार आत्मा का पोषण करने की बात को बताया गया भागवत में कि आत्मा का पोषण करने के लिए क्या है। आत्मा का पोषण क्या है, आत्मा का पोषण ये जो है पोषण तत्व के अंतर्गत। और उतया सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतया, उतया मतलब उति, उति मतलब वर्णन करते हैं कि उतया कर्म वासना, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा फल हमको प्राप्त होता है। उतया कर्म वासना सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हुए कहते हैं उतया कर्म वासना, जैसा करनी वैसा कहते हैं ना, तो उतया कर्म वासना ये हमारे कर्म के अनुसार हमको कैसा फल प्राप्त होता है, क्या फल प्राप्त होता है और कर्म का सिद्धांत क्या है, जो कि समझना बहुत जटिल है, कर्म का सिद्धांत क्या है, इन सारे सिद्धांतों के विषय में उतया तत्व के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी ने बताया। अभी 5 तत्व हो गया, 6ठा तत्व मन्वंतर। अत्र सर्ग विसर्गस्य स्थानम पोषण उतय मन्वंतर। मन्वंतर तत्व समय की जो अवधि है ना उसके बारे में वर्णन किया गया है। समय की अवधि के जो है ये मन्वंतर तत्व के अंतर्गत आता है, गिनती गणना जिसको हम बोलते हैं 1 सेकंड 1 मिनट फिर 1 घंटा फिर 1 दिन 1 महीना 1 साल है ना, ये गणना है, एक गणना जो कि मन्वंतर तत्व के अंतर्गत किया गया है। जैसे कि कलयुग, कलयुग का जो उम्र है ना काल अवधि जो है गणना है वो 432,000 वर्ष की है, कलयुग की गणना 432,000 वर्ष तक ये कलयुग रहेगा। अभी कितना साल हुआ है, 5,500 वर्ष हुआ है, अभी कलयुग बच्चा है। सोचिए कि अभी ये स्थिति है तो आगे क्या होगी, इसलिए भजन कर लीजिए क्योंकि आगे और परिस्थिति बिगड़ने वाली है, परिस्थिति बिगड़ने वाली है। तो समय की गणना जो है ये मन्वंतर तत्व के अंतर्गत आता है। कलयुग 432,000 वर्ष, उसी का डबल द्वापर युग 864,000 वर्ष और उसका और
डबल कर दीजिए त्रेतायु 12,96,000 वर्ष तक उसकी अवधि है, और सतयुग 17,28,000 वर्ष। एक गणना बताया गया सुखदेव गोस्वामी ने बताया इस मन्वंतर तत्व के अंतर्गत। तभी एक चार युग जो है ना, जिसकी गणना बताया मैंने भी, ये जो चार युग है इसको चारों को अगर मिला देते हैं तो इसको बोलते हैं चतुर्युग। क्या बोलते हैं इसको? चतुर्युग। अभी ये चतुर्युग जब मिलते हैं, चार युग जब मिलते हैं तो इसको चतुर्युग कहते हैं। ऐसे 71 चतुर्युग, जब 71 चतुर्युग बीतता है तो एक मन्वंतर का समय समाप्त होता है। एक मन्वंतर का समय, एक मन्वंतर की अवधि समाप्त होता है। और ऐसे 14 मन्वंतर जब बीतते हैं, ऐसे 14 मन्वंतर जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और आगे बढ़ना है बुद्धि का एक्सरसाइज। तो 14 मन्वंतर जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, तो ब्रह्मा जी की अवधि इमेजिन कर लीजिए। अभी गणना करूंगा सब खिचड़ी बन जाएगा लेकिन रूपा जी कहते हैं, और चेतन चरितामृत में भी इस बात को है वर्णन, सिद्धांत बलिया चित्ते ना करे आलस। सिद्धांत को समझने के लिए ना आलस नहीं करना चाहिए, पता होना चाहिए, सिद्धांत समझना चाहिए। तो 14 मन्वंतर जब बीतता है तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल तक जीते हैं, और जब ब्रह्मा जी की अवधि समाप्त होता है तो भगवान महाविष्णु जो है तब एक सांस लेते हैं। 100 साल जब पूरा होता है ना, एक सांस केवल लेते हैं, अभी छोड़े नहीं है, केवल सांस लिए है, एक सांस केवल लिए। सोचिए, और ये कलयुग का जीव बोलता है अहम ब्रह्मास्मि पागल नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अहम ब्रह्मास्मि बोलता है, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही भगवान हूं। पागल, एक नंबर का पागल है। थोड़ा सा और तो प्रत्येक मन्वंतर के समाप्त होने के बाद एक मनु अवतार होता है। अभी जो चल रहा है 7वां मन्वंतर चल रहा है और 28वां चतुर्युग चल रहा है, ठीक है? 7वां मन्वंतर और 28वां चतुर्युग चल रहा है, और भगवान हर एक मन्वंतर में एक अवतार लेते हैं जिसका नाम है मन्वंतरा अवतार। हर एक मन्वंतर में एक अवतार लेते हैं, मन्वंतर अवतार जिसको कहा गया है, मन्वंतर अवतार। तो इस समय की गणना जो है ये मन्वंतर तत्व के अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी बाद वर्णन करते हैं। आगे 7वां जो तत्व है ईशानुग्रह, मन्वंतर ईशानु, ईशानुग्रह, ईश अनुग्रह, ईश्वर का अनुग्रह कैसा होता है सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को, ये ईश्वर का अनुग्रह कैसा होता है ये सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज को 9वें स्कंद में बताए ईशानुग्रह के बारे में, कि कैसे ईश्वर का अनुग्रह होता है लोगों के ऊपर। 9वां स्कंद में बताया। 8वां तत्व निरोध, मन अलग अलग जगह पे भटक रहा है, मन को रोकना जो है ना बहुत दुर्लभ है। इस तत्व का निरूपण जो है इस निरोध तत्व के अंतर्गत आया, कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे एकत्रित किया जाए, मन को नियंत्रण कैसे किया जाए। इस निरोध के तत्व के अंतर्गत पूरी भागवत का 10वां स्कंद, उसके बाद 9वां जो तत्व है वो मुक्ति, मुक्ति तत्व। मुक्ति मतलब एक लाइट गया, मुक्त हो गया, वो ऐसा होता
मुक्ति क्या है? सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, मुक्ति इत्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिति। मुक्ति मतलब क्या? लोग सोचते हैं कि उसका प्राण निकल गया और ऐसा कुछ लाइट दिखा और वो तेज से निकल गया और मुक्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं। मुक्ति मतलब क्या? सुखदेव गोस्वामी मुक्ति की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपे स्वरूपेण व्यवस्थिति। एक व्यक्ति अपने स्वरूप को जान लेता है। स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। जीव का स्वरूप है, कृष्ण का दास है वो। जो इस स्वरूप को समझ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, यही मुक्ति है। अपने स्वरूप को समझ जाना। मुक्ति हित्वा अन्यथा रूपम, अन्य रूपों को त्याग कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है कि हम आत्मा है, उसको मुक्ति बोलते हैं। तो इस तत्व का निरूपण, इस तत्व का निरूपण सुखदेव गोस्वामी कर भागवत में किए हुए हैं, मुक्ति तत्व का। कि एक आत्मा जो है अपना स्वरूप समझ कर कि हमारा कार्य क्या है, परमात्मा की सेवा करना है, ये जिस दिन समझ गया उसी दिन वो इस जगह पे रहते रहते, इस दराधार पे रहते रहते वो मुक्त है। और मुक्ति और दूसरा कुछ चीज नहीं है, यही मुक्ति है। इसकी परिभाषा बताए और इस मुक्ति को समझाने के लिए सुखदेव गोस्वामी ने पूरा भागवत का 11वां स्कंद कर दिया। दसवां तत्व और अंतिम तत्व क्या है? आश्रय। सर्ग विसर्ग स्थान भूषण भूतया मनमंत्र ईशान कथा निरोधा मुक्ति और आश्रय। आश्रय तत्व। आश्रय मतलब हम बैठे हैं ना, हम बैठे हैं तो फ्लोर के ऊपर बैठे ना, किसी के आश्रय में, आश्रय में बैठे हुए ना, आश्रय। तो प्रत्येक जीव का कोई ना कोई पालन करने के लिए या कोई ना कोई केयर करने के लिए किसी न किसी के आश्रय में है वो प्रत्येक जीव। तो सबके इस आश्रय तत्व को समझाना कि पूर्णता आपका आश्रय कौन है, इस तत्व का निरूपण किए और इस तत्व का निरूपण करते हुए पूरा भागवत का 12वां स्कंद कर दिए। हो गया 12 स्कंद। तो सुखदेव गोस्वामी इस तत्व का निरूपण किए और भागवत का 12वां स्कंद किए, आश्रय तत्व। और ये आश्रय तत्व है ना, यहाँ पे विचार करने वाली बात है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उतया मनमंत्र ईशान कथा निरोधा मुक्ति, नौ ये जो तत्व है ना, नौ तत्व ये आश्रय तत्व के अंतर्गत आ जाते हैं। ये महत्वपूर्ण है आश्रय तत्व। सारे आश्रय तत्व के ऊपर डिपेंड है सारे तत्व। ये आश्रय तत्व और कोई नहीं कृष्ण को कह सकते हैं। ये आश्रय, सभी के आश्रय भगवान कृष्ण है। महत्वपूर्ण ये जो है दसवां तत्व है, जो कि बाकी तत्व इसके ऊपर निर्भर है। महत्वपूर्ण आश्रय तत्व है। तो थोड़ा से और समझते हैं कि जो सर्ग की जो सृष्टि है, प्रथम जो तत्व है सर्ग, जो कि भागवत के प्रथम स्कंद में थोड़ा और द्वितीय स्कंद में कहा गया। सुखदेव गोस्वामी कहे द्वितीय स्कंद में विस्तार रूप से वर्णन किए सुखदेव गोस्वामी का इस सर्ग सृष्टि। सर्ग सृष्टि मतलब भगवान ने जो सृष्टि किया। भगवान ने सर्वप्रथम पंच महाभूत तन मात्राए पंच इंद्रिया इस प्रकार के तत्व को भगवान ने प्रकट किया। भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया। सर्वप्रथम भगवान ने अपने देह से बलराम जी की उत्पत्ति किया। बलराम जी उत्पन्न हुए और बलराम से महाविष्णु की उत्पत्ति बलराम से हुआ, जो कि महाविष्णु कारण सागर में रहते हैं, कारण सागर में लेटे रहते हैं। भगवान से बलराम और बलराम से महाविष्णु और महाविष्णु के रोम कुप से, रोम है ना, क्या बोलते इसको, बाल है, रोम कुप से हजारों हजारों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है। हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति भगवान महाविष्णु के रोम से होता है। भगवान ने इस सृष्टि की रचना किया। लोग बोलते हैं कि सृष्टि क्यों बनाए भगवान,
दुनिया बनाने वाले दुनिया की बनाया, गाते हैं ना, दुनिया बनाने वाले है उस तो है क्यों बनाया ने? ये ऐसा वही व्यक्ति खाता है जो बहुत दुखी होता है तो मैं उसके लिए यही कह देना चाहता हूं कि भगवान दुनिया क्यों बनाया पूछ रहा है ना, भगवान दुनिया तेरे लिए बनाया। भगवान ने इस सृष्टि का जब उत्पत्ति करने के विषय में सोचा ना भगवान ने, तो क्यों उत्पत्ति करने के लिए सोचा? मैं एक उदाहरण देता हूं, एक पिता क्यों पुत्र चाहता है, एक पिता पुत्र को क्यों जन्म देना चाहता है, क्यों पुत्र की इच्छा रखता है? क्योंकि वह पुत्र उसकी सेवा करे। तो भगवान ने भी यही किया कि सृष्टि को बनाया और जीवों को उत्पत्ति किया ताकि जीव हमारी सेवा करे, और भगवान ने जीवों को उत्पत्ति भी किया और उसमें से 99% जीव भगवान की सेवा में तुरंत लग गए, भगवान की इच्छा पूरा किया, लेकिन 1% जो जीव थे ना वो नालायक निकले, और वो 1% जीव और कोई नहीं है, हम सब यहां जो बैठे वो 1% में आते हैं और कोई नहीं। भगवान ने बोला कि क्यों तुम हमारी सेवा नहीं करना चाहते हो? क्योंकि भगवान ने हर एक जीव को स्वतंत्रता दिया हुआ है। भगवान ने बोला क्यों नहीं सेवा करना चाहते हो तुम? बोला नहीं नहीं हमको नहीं सेवा करना है, हमको स्वयं को भगवान बनना है। तो ऐसे लोग के लिए भगवान ने ऐसी सृष्टि की रचना किया और इधर डाल दिए कि जाओ, क्योंकि भगवान ने समझाया नहीं समझे, डाल दिया इधर। जैसे एक बाप होता है ना पुत्र को समझाता है पढ़ाई करो नहीं समझता है, उसको खेलना है खिलौना फेंक देता है, देता है जा खेल, थक जाएगा ना बाद में पढ़ना पढ़ाई करना है। भगवान ने सृष्टि बना दिया उस खिलौने की बात है, जाओ खेलो उसके साथ, जब थक जाना ना वापस भजन करके वापस आना। दुनिया क्यों बनाया? हमारे लिए दुनिया बनाया भाई, तेरे लिए दुनिया बनाया, हमने ऐसी इच्छा किया, नहीं तो सेवा में तो लग गए थे सब। तो खैर महाविष्णु के रोम कुप से करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होता है, करोड़ों ब्रह्मांड की। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड से एक ब्रह्मांड का मैं थोड़ा सा निरूपण करता हूं, एक ब्रह्मांड का। तो हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं, हर एक ब्रह्मांड में एक गर्भोदक्षाय विष्णु होते हैं जिनके नाभि कमल से एक कमल निकलता है जिसमें ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होता है, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होता है, ब्रह्मा जी का प्राकट्य हो जाता है, ब्रह्मा जी का सर्वप्रथम जन्म होता है भगवान के नाभि कमल से। ब्रह्मा किसी मां के गर्भ से जन्म नहीं लिया, भगवान के नाभि कमल से उस कमल में ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। जब ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ उस समय ब्रह्मा जी को कुछ पता नहीं था क्या करना है, कुछ पता नहीं था, ब्रह्मा जी बिल्कुल विमोहित थे, कुछ नहीं पता था करना क्या है उनको। बल्कि वो जो कमल का नार था ना जिसमें 14 भुवन ब्रह्मा जी घूम लिए और उनको पता नहीं चला उनको करना क्या है, उसी समय ब्रह्मा जी को एक शब्द सुनाई दिया तप तप, दो शब्द सुनाई दिया तप तप, और ब्रह्मा जी ने एक तप शब्द को सुने तुरंत ही तपस्या में लग गए। ब्रह्मा जी ने एक बार केवल शब्द सुना तप तप और तपस्या में लग गए। इस संसार के जीव भक्त लोग जाते रहते बोलते रहते भक्ति करो जप करो ये करो वो करो पीछे लगे रहते हैं फिर भी नहीं सुनते हैं। सीखिए यहां से, एक शब्द जैसा ही सुना कौन बोला क्या बोला वो पता नहीं, लेकिन तपस्या करना है तपस्या में लग गए। जब तपस्या में लगे उस समय भगवान उनके ऊपर कृपा किए और उनके हृदय में ज्ञान दिया जिसका निरूपण मैंने किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। ब्रह्मा जी के हृदय में सुखदेव गोस्वामी व्यास जी मंगलाचरण करते हैं ना, जब सत्यम परम धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय भागवत की शुरुआत, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, उस ब्रह्मा को जो प्रथम जीव है भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान दिया, हृदय में ज्ञान दिया। जैसे ही ब्रह्मा जी को कृपा हुआ उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान ने जो तत्वों का निरूपण किया था, भगवान से जो तत्व उत्पन्न हुए थे सर्ग सृष्टि के अंतर्गत, उस तत्व के लिए पंच महाभूत पंच इंद्रिया तन्मात्राएं
वो सारे चीजों को लिया ब्रह्मा जी ने। ब्रह्मा जी ने लेकर क्या किया, मनुष्य निर्माण किया। उन तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया सुंदर सा। अभी ब्रह्मा जी की सृष्टि जो विसर्ग की सृष्टि कहलाता है, ब्रह्मा जी ने इन तत्वों को भगवान के द्वारा बनाए हुए तत्वों को लेकर ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया। ये डिजाइन की बुद्धि भी ब्रह्मा जी के पास नहीं थी, वो तो हृदय में जाके भगवान ने ज्ञान दिया, तब जाके ब्रह्मा जी ने डिजाइन किया। और डिजाइन करके 84 लाख योनियों को बनाया ब्रह्मा जी ने, 84 लाख योनियों को बनाया। लेकिन 84 लाख योनियों को जैसे ही बनाया ब्रह्मा जी ने, कोई भी चलायमान नहीं थी, कोई भी चलायमान नहीं थी, केवल डिजाइन किया बना दिए, लेकिन उसमें कोई शक्ति नहीं था, चलायमान नहीं थी। उस समय भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान को बताया कि प्रभु मैंने सृष्टि की रचना तो किया लेकिन एक भी चलायमान नहीं है। उस समय ब्रह्मा जी ने, भगवान ने जो जीवों को, जिन आत्माओं को उत्पन्न किया था अपने रूप से अपनी सेवा करने के लिए, लेकिन जो नालायक निकले हुए थे ना, उनको इधर डाला। तो ब्रह्मा जी सृष्टि तो किए लेकिन चलायमान नहीं थी। उस समय भगवान ने उन आत्माओं को ब्रह्मा जी को दे दिया, और क्या, ब्रह्मा जी ने सब आत्मा को अलग अलग जगह पे फिट कर दिया, फिट कर दिए ब्रह्मा जी। फिर से ब्रह्मा जी भगवान के पास गए, प्रभु मैंने आत्माओं को तो फिट कर दिया फिर भी चलायमान नहीं है। उस समय भगवान का एक अवतार हुआ जिसको क्षीरोदक्षाय विष्णु कहते हैं। उस समय भगवान ने एक अवतार लिया क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में, लेकर सारे जीवात्माओं के हृदय में जाके परमात्मा के रूप में बैठे भगवान। तब जाके ये सृष्टि, ये जीव 84 लाख योनियां चलायमान हुई, तब जाके चलायमान हुई। कहते हैं ना, भगवान के इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। देख लीजिए, हो गया सृष्टि। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जब शिव जी का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी से ही शिव जी का प्राकट्य हुआ, लेकिन शिव अलग तत्व है, उसके विषय में हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ऑलरेडी बहुत आध्यात्मिक चल रहा है। तो भले से शिव जी का जन्म ब्रह्मा से हुआ है, लेकिन वो पूर्णतः अलग है, वो जीव तत्व के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो शिव जी का प्राकट्य जब हुआ, तो ब्रह्मा जी ने शिव जी को आज्ञा दिया, सृष्टि करो, क्योंकि अभी प्रजा को बढ़ाना है, सृष्टि करो। तो शिव जी ने सृष्टि किया, पिता की आज्ञा, ब्रह्मा की आज्ञा को मानते हुए शिव जी ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। लेकिन कैसी सृष्टि चालू किया, तमोगुणी सृष्टि चालू किया, भूत प्रेत पिशाच ये सब उत्पन्न करना शुरू किया, और इतना तेजी से उत्पन्न करना शुरू किया, इतना तेजी से। मनु और सद्रुपा सृष्टि करने के, ब्रह्मा जी की आज्ञा से सृष्टि करने के लिए जब इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर आए, उस समय कीर्तन वाले आइए, कीर्तन थोड़ा लास्ट, अभी समापन करेंगे तो थोड़ा कीर्तन करते हुए समापन करेंगे, 2 मिनट बैठे। मनु और सद्रुपा ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार जब इस पृथ्वी पे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ किए, इस मनु और सद्रुपा से ही मनुष्य की सृष्टि, मानव समाज शुरू हुआ। कुछ लोग बोलते हैं ना, मनुष्य बंदर से आए, वो डार्विन के सिद्धांत, बंदर से नहीं आए हैं, खंडन, डार्विन सिद्धांत, बंदर से थोड़ी ना मनुष्य आए, मानव समाज की उत्पत्ति रे मनु और सद्रुपा से प्रारंभ हुआ। लेकिन वो जब सृष्टि करने के लिए आए, तो उस समय उन्होंने देखा कि पृथ्वी पे आए थे, पृथ्वी है ही नहीं था। पृथ्वी के ऊपर आए सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी के आदेश से, तो पृथ्वी थी नहीं, गायब थी, वापस रिटर्न गए। बोले कि ब्रह्मा जी आपने हमें सृष्टि करने के लिए बोला, लेकिन
पृथ्वी तो है नहीं सृष्टि, वो पता नहीं गायब हो गई किधर है, पृथ्वी है नहीं, पृथ्वी पर आपने मुझे भेजा। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, ब्रह्मा जी चिंतित हुए, चिंतित हुए कि क्या बात कर रहे हो, पृथ्वी है नहीं। उस समय चिंता हुआ ब्रह्मा जी को, सबसे बड़ी चिंता कि अब क्या किया जाए। तो जब जब भक्तों को चिंता होता है उस समय भक्त भगवान को याद करते हैं। जब जब भक्तों की चिंता होता है भगवान, भक्त जो है ना भगवान को याद करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं। तो आइए दो मिनट हम भी भगवान को याद करते हैं कीर्तन करते हुए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 राम हरे राम 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे Yeah.
विकराल रूप लिया और विकराल रूप लेकर तुरंत ही भगवान ने सबसे पहले उस पृथ्वी जहां पे छुपाया था, और उस पृथ्वी को छुपाया कौन था, एक असुर ने छुपाया था जिस असुर का नाम था हिरण्याक्ष। ये दीदी का पुत्र था, दीदी के दो पुत्र हुए, एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष, दूसरे का हुआ हिरण्यकश्यपु। ये हिरण्याक्ष इतना प्रतापी था कि उसने देखा कि इस सृष्टि में सारे ब्राह्मण मिलकर इस पृथ्वी के ऊपर बड़े यज्ञ तपस्या यज्ञ साधन कर रहे हैं जिससे भगवान की प्राप्ति कर रहे हैं, सब लोग मुझे छोड़ रहे हैं। इसलिए उसने सोचा कि सबसे बड़ा उपाय से क्या सोचा कि इस पृथ्वी को ही छुपा दिया जाए। सोचिए कि वो कितना बड़ा असुर रहा होगा, उसने उस पृथ्वी को ले जाकर रसातल में छुपा दिया था, रसातल में छुपाया। लेकिन यहां पे भगवान ब्रह्मा जी के कीर्तन, भगवान ब्रह्मा के स्तुति करने से शुकर का रूप लिए और बहुत तेजी से बढ़ते हुए उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी में रसातल के अंदर जाकर उस पृथ्वी को उठाकर अपने मुख के ऊपर उठाकर उस पृथ्वी को लाकर पहले स्थापित किया। हरे कृष्णा कृष्णा हरे स्थापित कर दिया, हिरण्याक्ष को सहन नहीं हुआ, तुरंत ही हिरण्याक्ष वहां पे प्रकट हो गया और भगवान बराहदेव जो कि एक सूअर का रूप लिए थे, भगवान बराहदेव के साथ युद्ध करने लगा। भयंकर युद्ध हुआ, इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारे देवी देवतागण चिंतित हो गए। घमासान युद्ध हुआ, गदा युद्ध हुआ और युद्ध करते करते भगवान के हाथ से गदा गिर गया। उस समय सारे देवतागण फिर से चिंतित होने लगे, भगवान के हाथों से गदा गिरा, सारे लोग टेंशन में फिर से भगवान के कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण हो गया। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सतगजन शिखर धरणी धवलकनाम शिशन कलंक कलेर नीलगनाम केशव देता शुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश तभी हम इस सत्र को एक विराम करते हैं।